वेव कर दिया, अभी जॉय को वेव किया जॉइंट, है ना। अब यू वेव्ड एट जॉय सेन गुप्ता। अब मैं इसमें, हाँ इसमें जाके यार अब हो जाए। When you go live, someone, anyone who can watch their videos will be able to watch it too. Drop क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। संगीत से जुड़े हुए जितने ऑनलाइन कंटेंट है वो सब उसे कहते हैं पूरी तरह से निकल रहे हैं, ताकि जब एक बार लॉकडाउन खत्म हो, जब भी खत्म हो, तो हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ जिम के मैदान में आए जोश के साथ। जी 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 मिस, अभी तैयारी हो रही है, फिर फाइटर मोड में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा जो इतना घुमक्कड़ है, ठीक है, शांति से बैठने वाला नहीं है, इतना फूडी है, सेल्फी किंग जैसे कि मैं कई बार लिखती हूँ, उस बंदे के लिए शांति से बैठना इस अपने आप में एक मिशन है। हाथ पैर नहीं चल रहे हैं लेकिन दिमाग तो चला रहे हैं, तो हाथ पैर बंद है लेकिन दिमाग पूरी तरह से चल रहा है, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम उस युग में है, टेक्नोलॉजिकल युग में है, जब सारे विश्व में हमारे फील्ड में या दूसरे फील्ड में क्या हो रहा है वो कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है। वो तमाम दिग्गज टीचर जिनसे सीखने की तमन्ना थी या है या सपना रहा है, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आदमी आज घर पे बैठ के अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकता है, हालांकि फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन आप अगर सुन के देख के सीखने में आपकी रुचि है तो आप वो कर सकते, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लेकिन आप देख सकते। आपको माइजनर टेक्निक सीखना है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको मेथड के बारे में समझ अपनी बढ़ानी है, आप बढ़ा सकते हैं। आपको शेक्सपियरन या क्लासिकल क्राफ्ट पे काम करना है तो आप देख के सुन के सीख सकते हैं।
एक्चुअल क्लासेस के वीडियोस हैं जो आपको दिखता है, जहां पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपको अगर पार्स या कॉमेडल आर्ट के टेक्निक्स देखना है वो भी आप देख सकते हैं। आपको तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के मास्टर क्लासेस, राउंड टेबल डिस्कशन, ये सब कुछ अवेलेबल है। इतना जितना मैंने सोचा नहीं था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़े ही दुष्प्राप्य चीजें हैं जिनको हम इनकी किताबें हम खरीदा करते थे। मतलब मैंने कम से कम 1200 किताबें खरीदी हैं अपने आप को सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए, और आज ये ऑनलाइन आपके पास है। तो आप घर बैठे, अगर जैसे लॉकडाउन में होता है आपके पास वक्त ही वक्त है, आप बड़े आराम से अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। मेन मतलब अभी जो है दिस इज लर्निंग सेशन एक्चुअली, बिल्कुल एक रिवाइज करने वाला सेशन हो गया, बिकॉज हर वक्त काम करते रहते हैं तो वी आर ऑल द टाइम मतलब एनग्रोस समवेयर हियर और देयर, बट अभी रुककर दूसरों को भी देखने का मौका मिला। बिल्कुल, काम एक्चुअली जब आप लगातार काम करते हैं तब एक लेवल पे सैचुरेशन हो जाता है, क्योंकि काम करते करते आप एक काम करने के मोड में रहते हैं, जो जो कई बार आपका तैयार मोड होता है, मतलब आप जानते हैं क्या करना है और आप वो करते हैं। लेकिन सोचने का मोड जो होता है, फिर से रीडिस्कवरी का मोड जो होता है, अपने आप को रीओरियंट करने का मोड जो होता है, वो जब आप अपने साथ वक्त बिताते हैं, अपने से सवाल करते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं अपने आप, उस समय होता है। और वो मुश्किल सवाल आप मनन के वक्त पूछते हैं, और मनन तभी होता है जब आप सॉलिटरी लेवल पे आप रहेंगे, तभी वो मनन हो पाता, वरना नहीं होगा। अभी एक किसी ने पूछा है, सर प्लीज शेयर योर लाइफ एक्सपीरियंस फ्रॉम वेयर एंड हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। आपने जर्नी शब्द कहा और वही सबसे सही शब्द है। शुरुआत कब होती है अभिनय कला की, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे सारे इंस्टिंक्ट्स जो है कहते हैं कि माँ के पेट से ही जाग जाता है। आपके माहौल में, आपके पेरेंट्स के माहौल में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके साइकी में पेनेट्रेट करता है। तो अगर मेरी माँ मेरे बचपन से रविंद्र संगीत गाती है घर में, अगर वो नजरुल गीति गाती है घर में, अगर मेरे फादर रिसाइट करते हैं पोइट्री घर पे, अगर कोई रिकॉर्ड बजता है बड़े गुलाम अली खान का, तो अगर घर पे कोई डिस्कशन होता है चार लोगों के बीच में, राजनीतिक डिस्कशन या कल्चरल डिस्कशन, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके साइकी में बैठ जाती। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप माहौल तैयार करेंगे तो आप अपने आप को तैयार करेंगे। तो जर्नी माहौल से शुरू होती है। कई बार आपको बचपन में वो माहौल नहीं मिलता है, इसलिए आपको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको ऐसे शिविर जिसको हम वर्कशॉप कहते हैं वहां जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको वो माहौल बचपन में नहीं मिलता है। तो मेरे साथ ये था कि मैं भाग्यशाली था कि मैं उस जनरेशन से था जब घर पे काफी कल्चरल चर्चा होती थी, जब घर पे कल्चरल प्रैक्टिसेस होते थे, और आम आदमी के घर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आर्टिस्ट या कल्चरल वॉरियर के घर पे, आम आदमी के घर पे, एक बंगाली मध्यम वर्ग के घर पे 1970 के दशक में या 60 के दशक में बहुत आम बात थी कि वहां पे गाने की प्रैक्टिस हो, और अच्छे गाने की प्रैक्टिस, क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, फोक, इन गानों की प्रैक्टिस हो, नाटक और सिनेमा की चर्चा हो, ये बहुत आम बात थी। और जो सिनेमा और नाटक देखने पेरेंट्स जाते थे या कॉन्सर्ट देखने जाते थे उसमें बच्चे भी जाते, क्योंकि उस समय एंटरटेनमेंट के जरिया बहुत कम था और आप बच्चे को साथ लेके जाते थे। तो अगर पेरेंट्स सरोदपुर में जा रहे हैं या ख्याल सुनने जा रहे हैं तो आपको भी जाना पड़ता था। आप 5-6-7 साल के हो सकते हैं, आपकी समझ नहीं हो सकती, आप बोर भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ख्याल, वो ध्रुपद, वो सरोद, वो म्यूजिक, वो आपके साइकी में बैठ जाता है। आपके सेंस ऑफ अप्रिसिएशन बाद में वहीं से शुरू होता है। आप शुरुआती दौर में जो फिल्में देखते हो, चाहे वो बच्चों की फिल्म हो, लेकिन अगर उस फिल्म में एस्थेटिक्स है, अगर उस फिल्म में अच्छी खासी आर्टिस्टिक फिल्म लैंग्वेज है, तो कहीं आपकी टेस्ट, आपकी रुचि वहां से डेवलप होगी। बचपन में अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छी किताबें देंगे पढ़ने के लिए, साहित्य से परिचय कराए,
चाहे वो शरद चंद्र की बच्चों की कहानी हो, चाहे वो टैगोर की बच्चों की कहानी हो, चाहे वो प्रेमचंद की बच्चों की कहानी, तो आपका परिचय हो जाएगा। शेक्सपियर की अब्रिज शेक्सपियर आप पढ़ेंगे बचपन से, वर्ल्ड क्लासिक सब बचपन से पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। एक्टर की जर्नी सिर्फ एक्टिंग से नहीं होती है, एक्टर की जर्नी होती है उसके रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल आपके अंदर स्टोर होता जाता है, उसके बाद आप टेक्निक सीखते हैं जब आप बड़े हो जाते हैं, और उस टेक्निक से आप अपने को शेप। और आपका जैसे था कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट थे, सो इट वाज लाइक मतलब जो इंटरेस्ट था दैट वाज बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड प्रैक्टिसेस कि घर में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, तो शरद का साहित्य है या रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य है या जो कुछ भी सिखाया जाता था, बिकॉज ऑफ दैट यू ऑप्टेड फॉर लिटरेचर इन योर कॉलेज। एक्चुअली थिएटर को लेकर ही पढ़ना चाहता था कॉलेज में, क्योंकि मेरी थिएटर से कनेक्शन मेरा स्कूल से ही हो गया। मैं जब ऊपर केजी में था तभी से नाटक से मेरा कनेक्शन हो गया था, रिहर्सल प्रोसेस से मेरा कनेक्शन हो गया था, रिहर्सल किसे कहते हैं वो मैं समझने लग गया था। मैं क्लास सेवेंथ में आते आते मैंने खुद अपना नाटक तैयार करना शुरू कर दिया था अपने दोस्तों के साथ। मैं जो कहानियां पढ़ता था उसी से नाटक लिखता बना लेता था, वो मैं डायरेक्ट करता था, वो मैं टीचर्स को दिखाता था, टीचर्स खुश होके मुझे एनुअल फंक्शन में डाल देते थे, तो मेरा वो प्रोसेस शुरू हो गया था। मेरे फादर मुझे बता देते थे लाइट्स कैसे पकड़ना है या साउंड कैसे पकड़ना है, कि उन दिनों सामने आपके माइक्स ऐसे खड़े खड़े हुए माइक्स होते थे, तो मेरे फादर फादर कहते थे कि जब भी आप डायलॉग बोलो तो कहीं ना कहीं माइक पकड़ने की कोशिश करो, आप लाइट मिस कर जाते हो या आप अपना हाथ या प्रॉपर्टी इतना ऊपर उठा लेते हो कि आपका फेस ढक जाता है, तो ये सारी चीजें जो है वो स्कूल में ही शुरू हो गया था मेरे। और मैं क्लास इलेवेंथ में ट्वेल्थ में आते आते मैंने जिस तरह से मैं नाटक या परफॉर्म कर रहा था, मतलब इस तरह से नहीं कि मैं सोच समझ के कर रहा था, उस समय वो एक एज होता है अब हर चीज को स्पॉन्टेनियसली करते हैं, इंस्टिंक्टिवली करते हैं, वहां आपका टैलेंट काम में आता है, टेक्निक नहीं होता है, आप टेक्निक नहीं जानते, बस टैलेंट जानते हैं। टेक्निक के लेवल पे आप इतना जानते हैं कि स्टेज के सामने की तरफ ऑडियंस होती है तो आपको फेस ऑडियंस को दिखाना है, आप जानते हैं कि मूवमेंट होता है कि आप एक छोर से दूसरे छोर तक मूव करेंगे, ये आपका टेक्निक होता है, टेक्निक एक ब्लॉकिंग। लेकिन मैं वो चीजों को शायद ठीक ठाक निभा रहा था, इसलिए मेरे जो अंग्रेजी के टीचर थे मिस्टर दत्ता उनका नाम था याद है मुझे, उन्होंने मुझे स्कूल में ही कहा था कि भाई तुम इसको सीरियसली लो, इसको तुम सीरियसली परस्यू करो, इसको छोड़ो मत। तो मुझे याद है क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम के बाद दिल्ली में एक कुछ छोटा मोटा इंस्टीट्यूट तो नहीं कहूंगा, किसी ने कुछ खोला था इंडियन थिएटर एंड टेलीविजन कुछ इंस्टीट्यूट टाइप का कुछ खोला था, मैंने कहीं से मुझे पता चला तो मैं वहां पहुंच गया, 17 साल की उम्र में पहुंच गया। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, मेरे टीचर ने कहा इसे मैं सीरियसली लूं तो आप जरा मुझे करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई तुमको थोड़ा सा और बड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद तुम वापस आना, अभी तुम पढ़ाई खत्म करो। तो कॉलेज में तो दिल्ली के कॉलेजों में तो थिएटर पढ़ाया नहीं जाता था, ना थ्योरी था ना प्रैक्टिकल था, तो नेक्स्ट बेस्ट था लिटरेचर साहित्य, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं संजीदगी सेंसिटिविटी और कला इस चीज से जुड़े रहेंगे। ह्यूमैनिटीज में इन चीजों पर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, यू नो कि आपको एक सेंसिटिव इंसान बनना पड़ेगा, आपको इंसान और इंसानियत को समझना पड़ेगा, ये लिटरेचर में हमको सिखाया जाता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ लिटरेचर डील कर। तो इसलिए मैंने साहित्य को लिया और गलत नहीं था, क्योंकि लिटरेचर क्लास में आप वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें थिएटर भी होता है, उसमें शेक्सपियर भी होता है, उसमें बेकेट भी होता है, और उसमें क्लासिकल प्ले ग्रीक क्लासिकल प्लेस भी होते हैं, तो वो तो प्लेज है, उसके अलावा पोइट्री होती है, अलग अलग किस्म की पोइट्री होती है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होता है। और सबसे अहम चीज जो कॉलेज में होती है वो है कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी। तो मैंने 3 साल में कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन किया, यूं कहिए कि हमने कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी को फिर से उजागर किया, क्योंकि वो कुछ डिफंक्ट चल रहा था। और पहले साल में हमें हमारा एनुअल प्ले करवाने के लिए जो आए व्यक्ति, वो जस्ट 2 साल पहले उन्होंने एनएसडी से उन्होंने वो पास आउट हुए, और वो दिल्ली के सबसे एक्टिव थिएटर ग्रुप
जिसका नाम था संभव, उसके मेंबर थे, संभव के फाउंडर मेंबर थे वीरेंद्र गुप्ता, दीपा साही वगैरह वगैरह, वीरेंद्र सक्सेना, ये लोग उस ग्रुप में। संभव ग्रुप महीने में एक नया नाटक करती थी दिल्ली में, हर महीने एक नया नाटक संभव प्रेजेंट करती, कमाल के नाटक। हाँ, तो ये उसी ग्रुप के ये यंग मेंबर थे सुरेंद्र शर्मा, वो हमको नाटक कराने के लिए कॉलेज एनुअल प्ले। और इत्तेफाक से जस्ट हमारे जब रेजर शुरू हुआ था तो कॉलेज में स्ट्राइक हो गया था टीचर्स, उन दिनों डूसू में भी स्ट्राइक्स होते थे, टीचर स्ट्राइक पे चले गए। तीन महीने हम लोग एनुअल प्ले स्थगित हो गया, तो सुरेंद्र ने कहा कि भाई तीन महीने हम डिजिटल प्रोसेस तो नहीं रोकेंगे, एक काम करते हैं हम लोग तीन महीने वर्कशॉप करते। हम लोगों ने तीन महीने जो है वर्कशॉपिंग की, वो एक ड्रामा स्कूल की तरह ही था हमारे लिए। उस एज में 18 साल की उम्र में तीन महीने आप वर्कशॉप करो, जिसमें सिर्फ एक्टिंग की तकनीक नहीं बल्कि थिएटर और जिंदगी का क्या जुड़ा हुआ है उसको समझने की कोशिश करो, जिंदगी को समझो, रियलिज्म को समझो तो नाटक को समझोगे। ग्रुप बॉन्डिंग जो सबसे जरूरी थिएटर में होता है वो ग्रुप बॉन्डिंग, जिसको काफी नेग्लेक्ट किया जाता है प्रोफेशनल थिएटर सेटअप में। मैं मान सकता हूँ कि प्रोफेशनल थिएटर सेटअप में आप जाते हैं, एक नए लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक नाटक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो निरंतर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए वो तैयार करना, एक ग्रुप की क्या विचारधारा होनी चाहिए, ग्रुप के अंदर क्या फिलोसफी होनी चाहिए, ग्रुप में किस तरह से आप काम करें, उसमें हायरार्की कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है हम लोगों ने उस वर्कशॉप में एक्सप्लोर किया और मेरी जिंदगी बदल गई कुछ तीन महीने में। और हमने एक्सपेरिमेंटल एक नाटक किया था, मुझे याद है, एक और उसका नाम था एक और युद्ध, एक्सपेरिमेंटल नाटक था जिसमें मैंने कुछ 7-8 कैरेक्टर्स किए थे, अलग अलग कैरेक्टर्स किए थे। तो एक तरह से एक ब्रेकियन टेक्निक हम लोगों ने उसी समय मैं घुस गया था उस टेक्निक में कि आप कैसे एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में घुस जाते, क्योंकि ये रियलिज्म नहीं है, ये हमारे इंडियन थिएटर ट्रेडिशन में भी एक ये टेक्निक है कि आप कैरेक्टर में घुसते उसमें से निकलते हैं, घुसते उसमें से निकलते हैं, आप ऑडियंस से बातें करते हैं। तो एक और युद्ध में ऐसे अलग अलग सीन में अलग अलग कैरेक्टर कर रहा था, कभी ये टोपी पहन के कुछ बन जाता था, कभी एक शॉल ओढ़ के कुछ और बन जाता था, ऑडियंस से बातें करता था, फूट वॉल को तोड़ता था। तो ये सारी चीजें कॉलेज के फ्यूचर में हम लोगों ने शुरू कर, और वो ड्रामेटिक सोसाइटी हमारी जो थी वो काफी मजबूत बनी। हमने काफी कॉलेज फेस्टिवल्स में हम लोग अपने नाटक तैयार करके गए, हम लोग काफी अच्छे, उन दिनों सटायर का काफी प्रचलन था क्योंकि पॉलिटिकल नाटक ज्यादातर सटायरिकल होती थी, तो व्यंग नाटक होती थी, बहुत व्यंग के बड़े 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 दिग्गज थे 70-80-90 के दशक, शरद जोशी थे, सर्वेश तकसेना थे, तो परसाई जी थे, तो हम लोग इनके इन सटायर्स को, क्योंकि वन एट प्ले होता था और कॉम्पिटिशन में वन एट प्ले की बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वन एट सटायर्स हम लोग करते थे, काफी प्राइजेस हमने इंटर कॉलेज फेस्टिवल में जीता, थोड़ी कमाई भी हुई। तो एक तरह से हमारे अंदर एक गुरूर भी आ गया कि हम प्रोफेशनल हो गए, नाटक हमारे हैं, और एक ये लगातार साल भर नाटक करने का एक जो है रिगर शुरू हो गया। एक एनुअल प्ले बाहर से आके डायरेक्टर करवाते थे और हम खुद नाटक तैयार करके अलग अलग फेस्टिवल्स में जाते थे। एनुअल प्ले कराने के लिए तीन साल सुरेंद्र शर्मा ही आए क्योंकि वो हमको जान गए थे, उनके साथ हमारा रिश्ता बन गया था। तो तीन साल के बाद इसी ड्रामेटिक सोसाइटी को हमने थिएटर ग्रुप के रूप में रजिस्टर किया जिसका नाम हुआ एक्ट वन। वो एक्ट वन थिएटर ग्रुप आज भी दिल्ली में है, वो आज भी चल रहा है, उसको मैंने नाम दिया था एक्ट वन का। तो वहां से निकल के हमने कॉलेज से निकल के मैंने पहला प्ले हम लोगों ने तैयार किया था पगला घोड़ा बादल सरकार का, तो वो तीन महीने हमने रिहर्सल की थी उस प्ले को, नाटक को तैयार किया था, वो भी अपने आप में एक चमकप्रद जिसे कहते हैं प्रोसेस था। ऐसे दो नाटक हमने किए, फिर कहीं जाके हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हम नया नाटक तैयार नहीं कर पाए, तो मैं उन दिनों दिल्ली में जननाट्य मंच के साथ जुड़ गया स्ट्रीट प्लेस करने के, साल में करीब 3.5 तो शोज में कर रहा था और मेरा ग्रुप कुछ दिनों तक बंद था। उन्हीं दिनों मैं और मनोज वाजपेयी एक साथ वर्कशॉप लिया करते थे, हम लोग लिटरेसी मिशन के लिए वर्कशॉप करते थे। तो मनोज एक नया नाटक कर रहा था उन दिनों जिसका नाम था नेटवर्क,
मनोज, उन दिनों दिल्ली में हमारे साथी थे मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, गजराज राव, पीयूष मिश्रा, लोग हम लोग लगभग कंटेम्पररी थे एक तरह से, एक साथ थे। तो नेटवर्क करके एक नाटक कर रहे थे जिसके डायरेक्टर थे एनके शर्मा, तो ये लोग सब कर रहे थे और उनके पास ग्रुप नहीं था। तो मनोज ने कहा भाई तेरा ग्रुप अभी बंद पड़ा हुआ है, क्या हम तेरे ग्रुप के बैनर के अंडर ये नाटक कर ले? उन्होंने कहा करो। तो उन्होंने वो नाटक किया और फिर धीरे धीरे वो लोग इसी ग्रुप में बहुत एक्टिव हो गए। एनके ने अगले चार साल पीयूष, मनोज, आशीष वगैरह के साथ, गजराज, सुजीत सरकार, इन लोगों के साथ उसने करीब करीब 6-7 नाटक किया और उसने पूरा एक मूवमेंट तैयार कर दिया दिल्ली में एक्टवन ने। तो वहां से बहुत लोग निकले, एक्टवन से बहुत एक्टर्स निकले। आज भी बॉम्बे में जो अच्छा काम कर रहे हैं फिल्मों में, टेलीविजन में, बहुत से एक्टर्स वो एक्टवन से निकले हुए हैं, चाहे वो मनोज जैसे दिग्गज हो, चाहे नए लोग हो, चाहे सुजीत जैसे डायरेक्टर्स हो, सब एक तरह से एक्टवन से। और जन्नाट्य मंच में मेरा काम तो चल ही रहा था, वो कंटिन्यू था, तो मेरा ग्रुप थिएटर का अनुभव जो था वो दिल्ली में कुछ ऐसा था। ओके, तो थिएटर्स, स्ट्रीट थिएटर से लेकर ऑडिटोरियम थिएटर से लेकर फिर टीवी, रेडियो और क्या कहते हैं उसके बाद फिल्म्स, स्पेशली बंगाली मूवीज, यहाँ तक की जरूरत। उसके बाद तो मैं एक्चुअली नाटक सीखने के लिए मैंने शुरू किया, मेरे शिक्षण उसके बाद शुरू हुई। जब मैं जन्नाट्य मंच में काम कर रहा था तो मुझे दिल्ली में ब्लूबेल स्कूल में नौकरी मिली बच्चों के साथ नाटक करने और पढ़ाने की। तो मैं थिएटर एंड एजुकेशन का टीचर बन गया ब्लूबेल स्कूल और मैंने वहाँ 4 साल पढ़ाया। मैं 8 क्लासेस लेता था दिल्ली में, जी 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 42 क्लासेस में क्लासेस लेता था, 42 क्लासेस लेता था में। हर महीने दो नाटक डायरेक्ट करता था, कम से कम 3-4 वर्कशॉप्स करता था। वहां से निकल के दोपहर को मैं दूसरे स्कूल में जाता था, मॉडर्न स्कूल वगैरह में जाता था नाटक डायरेक्ट करने। शाम को मैं अपने ग्रुप में जाता था रिहर्सल करने। तो ये मेरा तीन चार साल का ये मेरा प्रोसेस था। उसके बाद मैंने सैचुरेटेड फील करना शुरू किया, मैंने कहा कि अब इसे सीखने की जरूरत है, खूब खूब मुझे जो है प्रशिक्षण चाहिए, क्या करूं मैं। राडा में अप्लाई कर रहा था मैं इंग्लैंड में, लेकिन उसका फीस बहुत ज्यादा था, उन दिनों 90,000 उसका ट्यूशन फी था, जो मेरे हाथ से बाहर था, मैं पेरेंट्स से पैसा ले नहीं सकता था। फिर मैंने रशिया में एनएसजी में मैंने जानबूझ के अप्लाई नहीं किया, उसका एक कारण था क्योंकि सुरेंद्र शर्मा एनएसजी से थे, मेरे बहुत सारे दोस्त एनएसजी से, उन्होंने कहा भाई नेशनल स्कूल ड्रामा में जाने से एक प्रॉब्लम होता है कभी कभी, सबके लिए नहीं, आप अंदर बन जाते हैं, जब आप अंदर बंद जाते हैं बाहर से कट जाते हैं, आप इंसुलर हो जाते हैं। बबल के अंदर आप जीते हैं और कहीं ना कहीं आप बाहर की रियलिटी से छूट जाते हैं और फिर आप बॉम्बे की यात्रा करते हैं। अल्टीमेटली बाहर आके आपको वही सब करना पड़ता है फिर से, एग्जैक्ट दोबारा। और मैंने देखा मेरे जो दोस्त थे वो सारे निकल के इनसिक्योर हो जाते थे, क्या करें क्या करें, डर जाते थे। तो कुछ को रेपेट्री में मौका मिल जाता था तो रेपेट्री ज्वाइन करते थे, सरकारी नौकर की तरह उनको स्टाइपेंड मिलता था 1 साल के लिए, और कुछ लोग टिकट कटाते थे सीधा। तो एक तरह से थिएटर से कट जाते थे, रेपेट्री में रहते तो रेपेट्री जो रोल उनको देती थी वही करते थे। रेपेट्री में एक हायरार्की होती है, सीनियर जूनियर सब जूनियर का कैटेगरी के हिसाब से आपको रोल मिलता था। और मुंबई में आप चले गए तो नाटक से पूरी तरह से कट जाते। मैंने कहा भाई 3 साल आप अंदर रहो, 3 साल दुनिया से कट जाओ, आप बाहर आओ तो नाटक से कट जाओ, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि फिर मैं इस स्पेस से निकल के कहीं जाके अगर कुछ पढ़ सकूं तो रशिया में मैंने सोचा था कि मॉस्को प्लास्टिक थिएटर में अप्लाई करूंगा, उसके लिए रशियन सीखने की जरूरत होगी, मैं उसके लिए लग गया था, रशियन कोर्स करने लग गया था। तभी उन्हीं दिनों हमारे थिएटर जगत की लेजेंड इब्राहिम अलकाजी दिल्ली में वापस आए और मेरा पूरा बचपन इब्राहिम अलकाजी के बारे में पढ़ के सुन के गुजरा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मतलब था इब्राहिम अलकाजी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के करिकुलम का मतलब था इब्राहिम अलकाजी, प्रोसेस का मतलब था इब्राहिम अलकाजी, डिसिप्लिन का मतलब था इब्राहिम अलकाजी, एक्टिंग ट्रेनिंग का मतलब था इब्राहिम अलकाजी, सब वहीं से निकले। नसीरुद्दीन शाह या रतन त्याम हो या बीबी कारण, सब उनके स्टूडेंट। तो वो वापस आए दिल्ली में, उन्होंने एनएसजी में नाटक डायरेक्ट किया रेपेट्री के लिए और लोगों से ने उनसे कहा कि भाई आपसे बहुत लोग अभी भी सीखना चाहते,
उन्होंने तब सोचा कि क्यों ना मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूं जहां पे कुछ फ्रेश स्टूडेंट के साथ मैं थिएटर एडवांस थिएटर बुक कर फॉर्म एंड कंटेंट इन थिएटर स्पेशलाइजिंग इन एक्टिंग एंड डायरेक्शन पे कुछ मैं शिक्षा दूं। तो उन्होंने लिविंग थिएटर अकेडमी करके एक इंस्टीट्यूट खोला दिल्ली लिटिल थिएटर दिल्ली में अभी है बोंडिया हाउस में वहां पे उन्होंने बेस किया। तो मैंने अप्लाई किया, मनोज ने भी अप्लाई किया, हम दोनों को मिल गया। लेकिन मनोज ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मनोज ने उन्हीं दिनों मनोज के ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ गई थी, आर्थिक जिम्मेदारी, तो उसके लिए उसको प्रोफेशनल काम करना था, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया। मैंने ज्वाइन कर लिया और अगले 4 साल मैं अलका जी साहब के साथ जुड़ गया। अच्छी बात ये थी कि अलका जी साहब के क्लासेस जो थे दोपहर के 3 बजे से शुरू होता था रात के 9 बजे, तो मैं सुबह से दोपहर के 3 बजे तक बाहर काम कर लेता था, स्कूल में पढ़ाना हो, वॉइसिंग वगैरह करना हो, तो जो कुछ भी थोड़ी बहुत आमदनी करनी हो मैं कर लेता। और जब हमारे समर वेकेशन होते थे तब मैं और प्रोफेशनल काम कर लेता था। तो मेरा ये काम और सीखने का सिलसिला एक साथ चलता रहा। 4 साल तक मैंने वहां पे पढ़ाई की और जिस साल मैं निकला उसी साल मुझे टेलीविजन में भी, ये सारी इत्तेफाकन बातें हैं, मतलब एक्सीडेंटल बातें हैं। मेरा एक दोस्त था एनएसडी से सत्यजीत शर्मा, ये कुमुद मिश्रा वगैरह के बैच से थे, ये लोग एक ही मुकेश, ये सब एक ही बैच थे। तो दोस्त थे, सत्यजीत एक टेलीफिल्म में काम करने वाला था, रूपा झा करके एक डायरेक्टर थी, प्रकाश झा के असिस्टेंट, लेकिन वो कर नहीं पाने क्योंकि उसको दूसरे किसी नाटक में बिजी हो गया। तो उसने मेरा नाम सजेस्ट किया, मेरे को मैंने टेलीफिल्म किया बिहार में जाके शूट, तो मेरा कैमरा में पहला मेरा जिसे कहते हैं जर्नी था कैमरा में एक्टिंग क्या है करते हैं, रियलिज्म कैमरा में किस तरह से वो करते हैं, वो मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने कुछ ज्यादा ही रियलिज्म उसमें डालने की कोशिश की कि अभिनय को पूरा भूल जाओ, अपने आवाज को पूरी तरह से सस्पेंड कर दो, इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। तो वो कैमरे की जर्नी वहां एक्चुअली वहां से उससे पहले भी हुआ था कि मेरे समर वेकेशन में हमारे टीचर और अभिनेताओं के अभिनेता माने जाते थे मनोहर सिंह जो नेशनल ड्रामा के, हमारे टीचरों में से एक थे मनोहर सिंह। तो मनोहर सिंह एक टेलीप्ले डायरेक्ट कर रहे थे, उपेंद्र किशोर अष्ट का एक नाटक है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, तो वो डीडी के लिए डायरेक्ट कर रहे, तो उसमें उन्होंने मुझे एक मौका दिया। उसमें एक्टर तो बॉम्बे से आए थे, सब सीनियर एनएसडी के लोग थे, विजय कश्यप, राजेंद्र गुप्ता, रवि जांकल वगैरह, मुझे एक छोटा सा रोल दिया। तो वो मेरा पहला एक्चुअली मौका था कैमरे में काम करने का। फिर रूपा झा के इस टेलीफिल्म में मैंने काम किया, तो मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया कैमरे में। फिर सिद्धार्थ बासु ने मुझे, हाँ सिद्धार्थ बासु ने मुझे कहा कि तुम मेरे लिए एक प्रोग्राम, एक क्विज, हिंदी क्विज एंकर करो। मैंने कहा भाई मैं क्विज मास्टर नहीं हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम परफॉर्म करो, लेकिन हिंदी में है, मैं हिंदी में कर नहीं पाऊंगा, मैं अंग्रेजी में करता हूँ, मैं हिंदी में। तो मैंने जी टीवी के लिए एक पॉलिटिकल क्विज प्रोग्राम किया, सुपर क्विज, जिसको मैंने होस्ट किया, उन्होंने मुझे हेल्प किया उसमें। तो एनीवे मैंने फिर एक स्पोर्ट्स क्विज किया, क्वेश्चन ऑफ क्रिकेट, जिसको सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया। इस तरह से मेरे टेलीविजन की जर्नी जो है यहाँ से निकलते ही शुरू हुई, और प्रोफेशनल थिएटर की जर्नी मेरी शुरू हो गई इंस्टीट्यूट से निकलते ही। सबसे पहला नाटक जो मुझे ऑफर हुआ निकलते ही, वो इत्तेफाकन मैं तो हिंदुस्तानी थिएटर के बैकग्राउंड से था, उर्दू में नाटक करता था, लेकिन अंग्रेजी में मुझे ऑफर हुआ डांस लाइक ए मैन करके एक नाटक, जो लिलिट दुबे पहली बार एक इंडियन प्ले करने वाली थी, अंग्रेजी में लेकिन इंडियन प्ले करने वाली, तो वो कुछ उस तरह के एक्टर्स की खोज में थी जो इस इंडियन प्ले को अपने क्राफ्ट से निभा सके। भरतनाट्यम डांसर का रोल था, ये था, वो था। तो मेरा पहला मौका था वो प्रोफेशनल नाटक करने का, जहां पे मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं कैरेक्टर को बिल्ड करूं। उससे पहले क्या होता था कि डायरेक्टर्स गाइड करते, डायरेक्टर्स आपको बताते थे ऐसे करना है, तो करना है, चाहे अलकाजी साहब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हबीब साहब हो, मैंने हबीब तंदीर के साथ भी काम किया था, तो सब आपको बताया जाता था। लेकिन ये पहला मौका था कि मुझे लाना था कुछ टेबल पे, मुझे कैरेक्टर बिल्ड करना था, मुझे कंट्रीब्यूट करना था प्रोफेशनली, ताकि वो नाटक सक्सेसफुल हो, और वो नाटक बहुत सक्सेसफुल हो, दिल्ली का सबसे हिट नाटक था उन दिनों। उसके बाद वो ओलंपिक हिट हुआ, फिर इंटरनेशनल टूर्स करना लगा, तो मेरे लिए एक अलग ही दरवाजा खुल गया, जो मेरा सपना था कि मैं
थिएटर को लेकर दुनिया भर में मतलब एक छाप छोड़ सकूं, तो वो हो गया मेरा, वहीं से मेरा मेरी जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद डांस लाइक ए मैन मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएस से लेके एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल से लेके हर तरह के प्लेटफॉर्म में उसको किया है। तो वो जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई, फिर बॉम्बे की जर्नी भी इत्तेफाकन थी। मैं क्वेश्चन ऑफ क्रिकेट क्विज शो का एक चरण बॉम्बे में शूट होता था, वहां क्रिकेटर्स होते थे, तो वहां पे किसी ने मुझे नाटक ऑफर किया, एक और प्रोफेशनल नाटक बॉम्बे में। मैंने उस नाटक को किया, इफ विशेस वे हॉर्सेस करके एक नाटक था, मराठी एक्टर भी थे, किटू गिदवानी जो स्टार थी वहां की उन दिनों वो भी थी। उस नाटक को देखने के लिए उन दिनों के सबसे प्रसिद्ध आर्ट फिल्म मेकर गोविंद निलानी आए हुए थे। वो माँ श्वेता देवी की कहानी हजार चौरासी की माँ पर एक फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, तो उसने मेरी मुझे फिर उन्होंने ऑफर दिया। मैं उन दिनों गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ जाता था वर्कशॉप देने के लिए, एक दो महीना मैं वहाँ वर्कशॉप देता, तो वहां पे मेरे पास फोन आया गोविंद निलानी के ऑफर से, पंजाब ड्रामा डिपार्टमेंट में वापस आया, ऑडिशन दिया, वो मेरी पहली फिल्म बनी। तो थिएटर, फिर वहां से टेलीविजन, टेलीविजन और फिर थिएटर से टेलीविजन और थिएटर से ही सिनेमा। लेकिन मैंने किसी का हाथ नहीं छोड़ा, मैं फिल्म करने लगा लेकिन मैं टेलीविजन भी कर रहा था और मैं थिएटर भी कर रहा था। टेलीविजन मेरा, जी बिल्कुल, टेलीविजन मेरा मंथली इनकम का जरिया था एक तरह से, और उन दिनों टेलीविजन बढ़िया था क्योंकि वो राइटर का मीडियम था उन दिनों, और डायरेक्टर्स बहुत अच्छे होते थे, बेहतरीन डायरेक्टर्स उन दिनों टेलीविजन में। आज सिनेमा में जो आप दिग्गज डायरेक्टर्स देखते हैं, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, ये सारे रवि राय, सारे सारे किसान इन दिनों टेलीविजन में, श्रीराम राघवन, मैं इनके इन लोगों के साथ काम करता था टेलीविजन, हम लोग वीकली सीरियल्स करते थे, बहुत 10-12 दिन में शूट करता था टेलीविजन, मंथली इनकम होता था। मैं नाटक करता था, हर हर साल एक नया नाटक करता था, एक सीरियल करता था, हर एक दो साल कलात्मक फिल्म करता, इस तरह से मैं अपना बैलेंस बनाया और वो बैलेंस मैंने आज तक मेंटेन करके रखा। टेलीविजन छूट गया, वेब 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 ऑनलाइन वेब सीरीज आ गए, लेकिन वो बैलेंस जो है ये तीनों मीडियम का और मेरा जो बेस थिएटर का है उस बेस को बनाए रखना, ये मेरा चलता है। अच्छा जॉय, मुझे एक पूछना था, क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ है बताने को, आई नो, लेकिन मैंने अपने कुछ डाउट्स भी रखे हुए हैं जो मेरे को मेरे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ने भी दिए हुए हैं, कुछ मेरे भी हैं। जैसे मैंने आपका डांस लाइक अ मैन देखा, ठीक है, वो अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की बॉडी लैंग्वेज थी उसके अंदर, एक डांसर के हिसाब से, भरतनाट्यम डांसर, तो आई कैन रिलेट विद ऑल दैट। और उसके बाद आपका ये था कन्यादान भी मैंने देखा था लास्ट ईयर ही यहाँ पर हुआ था आपका कामनी ऑडिटोरियम में। इनमें जो इंटेंस रोल्स होते हैं आपके, तो इसमें जो मेथड एक्टिंग लेकर आजकल बच्चे बड़े फैसिनेटेड होते हैं, ये बहुत पुराना मेथड है, बोली बोली, उसी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना ये सवाल आते हैं कि मेथड एक्टिंग, हमें मेथड एक्टिंग सीखनी है, जो हम लोगों ने जो पढ़ाया वो एक अलग है, पता नहीं क्या फैसिनेशन है। सो आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू, मतलब नॉर्मल एक्टिंग क्या हुई और मेथड, हमें तो सिर्फ ये पता है एक्टिंग इज एक्टिंग और हर एक का अपना तरीका। सो व्हाट इज दैट टू यू? बहुत बड़ी गलतफहमी है एक्चुअली। मेथड के नाम पे बहुत सारे अफवाहें फैलाई जाती हैं और ये अफवाह से मैं भी घायल हुआ था इस अफवाह से। जब मैं अलकाइफ का स्टूडेंट था ड्रामा स्कूल में, तो मैंने भी, मेरे ऊपर भी ये मेथड का भूत सवार हो गया था। अलकाइफ साहब ने पहला प्ले जो हमने किया था एलकुंचर का किया था विरासत, उसमें मैंने अपने तरीके का रियलिज्म लाने की कोशिश की थी। मैंने मैं क्या करता था कि जो नाटक है उसके डायलॉग्स मैं अपने कोएक्टर के साथ दिन भर किसी भी जगह पे किसी भी परिस्थिति में वो डायलॉग कॉन्वर्सेशन की तरह बोलता रहता, चाय पीते हुए, तेल खरीदते हुए, लफेबाजी करते हुए, मैं वो उसमें अपने आपको ढाल लेता था। ऐसा वक्त आ गया कि किसी को लगता ही नहीं था कि मैं नाटक के डायलॉग्स बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्त के साथ बात। वो मेरा एक्सपेरिमेंट था रियलिज्म। सेकेंड ईयर में अलकाजी साहब, सेकेंड या थर्ड ईयर में अलकाजी साहब एनएसए विलियम्स का स्ट्रीट कार नेम डिजायर नाटक,
कर रहे हैं। और सीट ऑफ डिजायर में ओरिजिनल नाटक में मार्लन ब्रांडो ने किया था, उन्होंने उसको प्रसिद्ध किया था स्टैनली कोवाल्स्की के कैरेक्टर को, और मार्लन ब्रांडो के जरिए ये मेथड शब्द हॉलीवुड में प्रचलित हुआ, मेथड स्कूल, कि आप कैरेक्टर में ढल जाते हो, कैरेक्टर की जिंदगी और आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं रहता, एक्सेट्रा। और उसके लिए मैंने भी कुछ ऐसी पढ़ा था, बाएं सुनी थी, तो मैंने भी अपने आप को मेथड एक्टर के रूप में ढालने की एक भरपूर कोशिश की, जिसको अलग देख के समझ गए। उन्होंने कहा, उन्होंने एक दिन पूरे क्लास के बीच में मुझे ह्यूमिलेट किया। ह्यूमिलेट क्या मतलब, उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही बेवकूफाना तरीका है रियलिज्म को समझने का। 1940 के दशक में अमेरिका में 1940 के दशक में एक मूवमेंट हुआ, जिसमें एक दो एक्टिंग टीचर्स डायरेक्टर्स ने लोगों को रियलिज्म के पास ले जाने के लिए स्टैनिस्लावस्की का पहला चरण जो है सिखाने का, एन एक्टर प्रिपेयर्स, उसका कुछ निचोड़ लिया, एक्टर प्रिपेयर्स का निचोड़ लेके उसको अपने तरीके से थोड़ा ढाल। एक्टर प्रिपेयर्स में के निचोड़ में एक शब्द आता है इमोशनल मेमोरी, ठीक है, वो इमोशनल मेमोरी पे उन्होंने, इमोशनल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंसानी मेमोरीज के अंदर जो भी चीजें हैं उसमें से आप खींच के निकालना है वो इमोशन, और इस किरदार में डाल, अर्थात आपको अपने मेमोरीज, अपने इमोशनल मेमोरीज से, इमोशनल जो स्टोर है आपका, उसमें से निकाल के आपको डाल। ये एक्टिव प्रिपेयर्स में एक चैप्टर सीखा। दूसरा इन्होंने मेथड मूवमेंट में इन लोगों ने क्या अपने तरह से ऐड किया, वो ये कि आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसकी जिंदगी को थोड़ा जीने की कोशिश, आप जी लीजिए, वैसे कपड़े पहन लीजिए, वैसे घूम लीजिए, वैसे वो तरीका अपना लीजिए, तो आप वो कैरेक्टर बन जाए, ठीक है। ये निचोड़ था 1940s के मूवमेंट। उसके बाद और बहुत बड़ा दौर आया, बहुत सारे 1940s में जो नाटक लिखे जा रहे थे अमेरिका में, खास करके टेनेसी विलियम, आर्थर मिलर, यूजीन ओनील, जो भी नाटक लिख रहे थे वो वास्तव के बहुत करीब, उनमें साइकोलॉजिकल रियलिज्म को भरा हुआ, ठीक है। आर्थर मिलर के नाटकों में स्पिरिचुअल रियलिज्म भी था, लेकिन बाकी लोगों साइकोलॉजिकल रियलिज्म पे जो जोर डाल रहे। और ये मेथड स्कूल जो थी, ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म का इनका बहुत बड़ा हैंग ओवर था, इनको हर चीज में साइकोलॉजिकल रियलिज्म दिखा, हर कैरेक्टर का इनको चाहिए था इमोशनल, अपने अपने मेमोरी में पेन, अपने मेमोरी में मिजरी, आपके जिंदगी में कितनी विषमताएं हैं उन सबको ढूंढना है। तो मतलब अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उनको पसंद नहीं आता, उनको बुरा ही चाहिए, उनके चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा चाहिए, उनके माँ बाप के बीच में कोई लफड़ा चाहिए, कुछ चाहिए उनको, ताकि वो अपने कैरेक्टर में यूज कर सके। ये एक बहुत बड़ा एक हैंगओवर, एक फैड हो गया था, ये 1940 की बात, ठीक है, नाटकों से जुड़े मूवमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें इन्होंने यूज किया। आर्थर मिलर ने तभी कहा था 1940 ऑल माय सन्स और डेथ ऑफ अ सेल्समैन के दौरान, वो देखते थे कि मेरे नाटक थी, मैं आर्थर मिलर कहते थे कि मैं अमरीकी क्या कहते हैं कैपिटलिज्म के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूं मेरे नाटक के जरिए, मैं अमेरिकी पूंजीवाद को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं अमेरिकी इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा हूं नाटक के जरिए, लेकिन मेरे एक्टर्स जो हैं वो इसमें घुसे हुए हैं कि मेरी जिंदगी में मेरी माँ के साथ मेरे बाप के साथ क्या हुआ। तो आर्थर मिलर का कहना था कि मेरे नाटक का जो निचोड़ या सार या जो मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं वो अमेरिकी एक्टर समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो इतने घुसे रहते थे अपने साइकोलॉजिकल रियलिज्म के चक्कर में, ठीक है। तो वो कहते थे कि मेरे नाटक फ्रांस में बेहतर परफॉर्म होते हैं, मेरे नाटक इंग्लैंड में, जर्मनी में बेहतर परफॉर्म होते हैं, क्योंकि वो उनके पास ये साइकोलॉजिकल बैगेज नहीं होता, वो नाटक को समझते हैं, नाटक की जरूरत को समझते हैं, कैरेक्टर की जरूरत को समझते हैं और उसको निभाते हैं। और यहाँ अमेरिका में ये लोग घुसे रहते हैं मैं और मेरा इमोशन, नाटक क्या कह रहा है उसकी उसके जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको भूल के अपने पेन अपने उस बैगेज में घुसे रहते हैं, वो मेथड स्कूल का बैगेज था। तो आर्थर मिलर ने उसी समय स्टैनिस्लावस्की ने उसके बाद एक्टिव प्रिपेयर्स के बाद दो और किताबें लिखी, क्रिएटिंग ए कैरेक्टर एंड बिल्डिंग ए कैरेक्टर,
उन दोनों किताबों में उन्होंने अपने पहले किताब को नकार दिया। उन्होंने कहा ये नेचुरलिज्म के चक्कर में ये जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी के इतने छोटे छोटे डिटेल्स में घुसने के बदले आपको एक नाटक में जो राइटर ने अपने इमेजिनेशन से एक दुनिया तैयार की उस दुनिया में अपने अस्तित्व को रख अपने सोल को दुनिया में डाल और उस इमेजिनेशन में पार्टिसिपेट कर तो अपने आप वो नाटक और आपका कैरेक्टर उभरेगा। ये उन्होंने बिल्डिंग कैरेक्टर जो लास्ट किताब में कहा है उन्होंने अपने पूरे ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म का बैगेज उन्होंने नकार और उसके बाद दुनिया भर में मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म का मूवमेंट आया अब्सर्डिज्म आया ब्रेक्ट का एलियनेशन टेक्निक आए ब्रोटोस्की का थर्ड थिएटर आया और ये पुराना बैगेज निकल गया। लेकिन चूंकि मार्लन ब्रांडो से शुरू हुआ था वो मेथड स्कूल टर्म आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में पॉल न्यूमैन वगैरह के पास गया पॉल न्यूमैन वगैरह से रॉबर्ट डी नीरो डस्टिन हॉफमैन अल पचिनो के पास गया और वहां से आगे वाले एक्टर्स के पास आए और वहां से वो इंडिया में इंडिया के कुछ यंग एक्टर्स इस बात को उछालने लगे मेथड 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 तो सबके सर पे ये भूत सवार हो गया इस शब्द किसी को समझ नहीं है इस शब्द की उसमें चला गया। मेथड का मतलब होता है तरीका इट्स अ मेथड एक तरीका निकालना है नाटक को समझने का किरदार को समझने का और उसको निभाने का एक तरीका होना चाहिए। अगर आपको लगता है जैसे डांस रुकना है डांसर का वो था डांसर की जिंदगी पे था डांस पे नहीं था डांसर की जिंदगी पे वो मैं नहीं जानता था तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ डांसर्स के साथ मुझे टाइम बिताना चाहिए तो मैं मेल डांसर उन दिनों दिल्ली में थे राजा रेड्डी बहुत फेमस थे तो मैं राजा रेड्डी के पास एक जर्नलिस्ट के रूप में चला मैं जर्नलिस्ट के रूप में चलने गया और मैं उनके पास सात हफ्ते दर हफ्ते उनका इंटरव्यू लेता उनके घर और मैं उनको ऑब्जर्व करता रहा कि जब वो बात करते हैं तो उनका हाथ कैसे जेस्चर करते हैं चीजों को उनका रस बोध क्या है वो अपने रसा को वो जब बात करते हैं तो उनके हाथों में वो रस रस बोध आ जाता है और वो करते हैं वो जब उनके बातों में लय कैसा है कोई रिदम कैसे कैसा है वो उनकी आंखें कैसे जब भी बात करते हैं तो आंखें नाचती हैं उनकी उनके भौहें नाचते हैं क्योंकि वो नाट्य और नृत्य की जो जो चीजें हैं डांस में वो आ जाता है वो मैंने ऑब्जर्व किया। कपिला बादशाह की एक किताब थी डांसिंग फ्रॉम स्टोन्स कर वो डांसिंग इंडियन क्लासिकल डांस की हिस्ट्री के ऊपर तो नृत्य कहाँ से आया और नृत्य की क्या है और नाट्य शास्त्र के जो नवरस हैं वो डांस में कैसे यूज होते हैं वो मैंने पढ़ा जी। उसके बाद महेश दत्तानी ने जो नाटक लिखा उसने अपने इमेजिनेशन से अपनी रियलिटी से लेके उसमें इमेजिनेशन ऐड किया उस इमेजिनेशन के अंदर मुझे अपना सोल डालूंगा मैं अपना सोल उसमें डालूंगा तब जाके वो नाटक में किरदार आएगा मैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने साइकोलॉजी के उसमें घुस जाऊंगा तो नाटक जो कहने की कोशिश कर रहा है कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप जहां पे जा रहे हैं वो कहीं ना पीछे चला जाएगा। तो स्टेला एडलर क्या कहती है स्टेला एडलर जिन्होंने नकारा था ली स्ट्रासबर्ग के मेथड स्कूल अमेरिका में ली स्ट्रासबर्ग ने मेथड स्कूल खोला था उसको नकारा था एक्टिंग स्टूडियो ने अपना एक्टिंग स्कूल खोला था उनका यही कहना है कि एक्टिंग द एक्टिंग मींस यू हैव टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन आर्ट इज एन इमेजिनेटिव आर्ट आर्ट में एक पेंटर रियलिटी लेता है उसमें अपना इमेजिनेशन डाल के वो कैनवस में डालता है राइटर अपनी जिंदगी जीता है फिर अपने इमेजिनेशन डाल के वो नॉवेल लिखता है प्ले राइट भी वही करता है उस इमेजिनेशन के वर्ल्ड में घुसना है उसके लिए आपके पास भी इमेजिनेशन होना जरूरी है और आपको अपना अपनी आत्मा अपना सोल जो है उस इमेजिनेशन में डालना है अपना सोल डालना है। जैसे ही आप अपना सोल डालेंगे अगर आपके पास हिम्मत है डालने वो अपने आप जागृत हो जाएगा और फिर वहां से आपका रास्ता शुरू और आपकी पूरी जिंदगी आपकी मेथड है आप जो जिंदगी जी रहे हैं आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप जो रिएक्ट कर रहे हैं आप जो एक्ट कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी वो आपका मेथड है। आप दुकान जाते हैं दुकान वाले से एक चीज सामान मांगते हैं वो आपकी तरह ना देखे दूसरे को सामान देते हैं आप गुस्से में ऊंची आवाज में बात करते हैं वो फिर भी दूसरे को सामान देते हैं फिर आप गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं
तो वो आपको बुलाता है, क्यों जा रहे हैं आप, वापस आते हैं, आप मुझे ध्यान नहीं दे रहे, आपके बीच में बहस होती है, फिर आपको वो संभालता है। ये सारी चीजें जो वो कर रहा है, वो अपने काम और अपने दिन के कॉन्टेक्स्ट में वो कर रहा है। एक कस्टमर को ध्यान देना, दूसरे को नेग्लेक्ट करना, लेकिन दूसरे कस्टमर को लूज नहीं करना, उसको कैसे फुसलाना, अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो ये तो आपके अंदर ऑलरेडी स्टोर हो गया, ऑलरेडी आपके अंदर आ गया, आपको घुसने की जरूरत नहीं है, ये तो आप क्रिएट हो जाएगा। आप एक कैरेक्टर आपको दिखेगा, कैरेक्टर आप करने जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप इन बातों को ले आएंगे। बाकी आपकी इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन आपकी सबसे पावरफुल टूल है। जब भी आप कोई किरदार देखते हैं स्क्रिप्ट में, आपको इमेजिन करना पड़ता है किरदार कैसा है, फिर आप उसके अंदर अपने सोल को डालते हैं, पूरी तरह से अपने आप को डाल देते, इंटेंसली डाल, तब जाते हैं। तो मेथड मतलब रास्ता, इसके अलावा और कुछ नहीं। एग्जैक्टली अच्छा, और जो है एक और चीज है, जब वो तो हो गया, एक रास्ता होता है कि टू एंटर इनटू दैट कैरेक्टर, ठीक है, अब हमें उससे बाहर भी आना होता है, क्योंकि जब हम स्टेज पे कोई भी रस परफॉर्म कर रहे हैं और हम वो इंटेंसिटी के साथ ही कर रहे हैं, तब उसके बाद जब बाहर वापिस आके जॉय सेन गुप्ता को जॉय सेन गुप्ता बनना है, तो उसके लिए कोई प्रोसेस है, या वो कैरेक्टर जॉय सेन गुप्ता अपने साथ अपने घर लेकर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर आपके साथ थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो आप कभी भी आप नहीं निकाल सकते, इसलिए नहीं क्योंकि आपने उस कैरेक्टर को 2 घंटे जिया है स्टेज पे, इसलिए नहीं क्योंकि आपने उस कैरेक्टर को 5 हफ्ते रिहर्सल में तैयार किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस कैरेक्टर के आप रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आप और कुछ नहीं, आप एक नाट्यकार के रिप्रेजेंटेटिव है, आप एक किरदार के रिप्रेजेंटेटिव, प्रेजेंट कर वो जो बात कह रहा है, अब उस बात को कहते हैं उसकी तरफ से, क्योंकि अरुण अठावले उस बात को नहीं कह पा रहा है, तो जॉय सेनगुप्ता अरुण अठावले की बात को स्टेज पे जाके रखता है एज ए कैरेक्टर। अब आपने उस बात को रख दिया, अब आपको और भी बातें रखनी, आपको अपने माँ की बातें भी रखनी है, अपने बाप की बात भी रखनी है, आपको दुनियादारी की बातें भी रखनी है, तो ऑटोमेटिकली आप दुनियादारी में वापस चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरुण अठावले जो कह रहा था वो आपकी जिंदगी से कट जाए, वो मीनिंग वो एक तरह से आपके अंदर रह जाए, और वो रहना भी चाहिए। हम एक्टर्स की यही तो खूबी है, हमारी हमारी जो जिसे कहते सौभाग्य यही है कि हम एक जिंदगी में बहुत जिंदगी जीने का हम मौका जी लेता है। एग्जैक्टली अभी जाए, किसी ने पूछा है मुझे क्या लग रहा है कि ना मुझे दोबारा और एक सेशन लेना पड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि लोगों के इतने सारे क्वेश्चन है, मेरी अपनी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। अच्छा, ये अभी पूछा है किसी ने कि मिथ दैट थिएटर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सिनेमा एक्टिंग, आई डोंट बिलीव इट्स, एक्टिंग के लिए थिएटर तो जरूरी है। अब आप बताओ, इसकी दो बातें हैं, दो पहलू। एक पहलू ये, अच्छा अभिनय करना, अच्छा अभिनेता बनना, उसका बेसिक्स है, आपके अंदर टैलेंट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो कैमरा हो या थिएटर हो या रेडियो हो, आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते, पहली बात भी कहीं भी नहीं। दूसरी बात, आपके पास स्किल होना चाहिए कि उस टैलेंट को आप कैसे प्रदर्शित करें, उस स्किल को हम कहते हैं आप अपनी आवाज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप अपने हाथ पैर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी आंखों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप इमोशंस को कैसे ग्राफ करेंगे, इसको कहते हैं क्राफ्ट। फिर आता है टेक्निक। टेक्निक मतलब अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीका होता है अभिनय का। अगर आप नेचुरलिस्टिक काम कर रहे हैं, चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, चाहे रेडियो हो, तो आपके अंदर नेचुरलिस्टिक टेक्निक चाहिए। अगर आप क्लासिकल काम कर रहे हैं, एक पीरियड ड्रामा चल रहा है, आप 5वीं शताब्दी का सब्जेक्ट है, तो वो क्लासिकल टेक्निक, आपकी बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको जो स्पीच दिया जाएगा वो अलग, आपके जेस्चर्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि उस समय का बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप
कॉमेडी कर रहे हैं, फाई हाई फार्स कर रहे हैं, वो थिएटर में कर रहे हैं चाहे सिनेमा में कर रहे हैं, आपका टेक्निक पता है, ठीक है, तो टेक्निक अलग चीज, सिनेमा और जो है वो एक ही है। और अगर आप कहते कि अभिनय की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा सबसे पहले कहां से मिलती है, वो है थिएटर, यहाँ पे नहीं, सारे दुनिया में, दुनिया के अगर आप अमेरिकी फिल्में देखें, अंग्रेजी फिल्में देखें, रशियन फिल्में देखें, स्वीडिश फिल्में देखें, तो वहां के 99.9% एक्टर्स ड्रामा स्कूल से निकले, 99.9%, 0.1% हो सकता है कि एक्सीडेंट के एक्टर, अगर आपको वैसे एक्टर बनना है तो आप बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वैन डैम बनना है, वैन डीजल बनना है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है, या स्टालोन बनना है, वो अलग बात, स्टालोन भी ड्रामा स्कूल से निकला, तो ड्रामा स्कूल से 99% इंटरनेशनल एक्टर्स निकले, उन एक्टरों में से कम से कम 50-60% ऐसे हैं जो सिनेमा और थिएटर बराबर करते आ रहे, चलते थिएटर, ठीक है, आप जब रेडियो में काम करेंगे तो आप सिर्फ वॉइस का इस्तेमाल करें, आप जब टेलीविजन में काम करेंगे तो आपका क्लोजअप ज्यादा होता है, टाइट, वो अलग अलग तरीका हो जाता है, जब आप सिनेमा में काम करते हैं तो आपके लॉन्ग शॉट्स होते हैं, डेप्थ होता है, जब आप थिएटर में काम कर रहे होते हैं तो कुछ नहीं होता है, आपका ऑडियंस होती है और आप होते हैं, आप शरीर मन सोल सब कुछ होते हैं सब्जेक्ट का, तो आपको वो सारी चीजें वहां पे रखनी, मीडियम मीडियम का फर्क, बेस वही है, और ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग सबसे बढ़िया और सबसे बेसिक ट्रेनिंग आपको थिएटर में शुरू, अगर आपको कैमरे में काम करना है तो कैमरे के लैंग्वेज को समझना जरूरी, उसके लिए एक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आप कैमरे के लैंग्वेज को समझने के लिए आपको सिनेमा का स्टूडेंट बनना, कैमरे का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, कैमरा क्या है, कैमरा क्या देखती है, क्यों देखती है, कौन सा फ्रेम आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कौन सा लेंस आप लगाते हैं, किस एंगल से आप शूट करते हैं, क्यों करते हैं, इन चीजों को समझना होता है सिनेमा, उसके लिए आप डायरेक्टर हो या एक्टर हो, बात तीन बातों को बोल दीजिए, सिनेमा जो है वो डायरेक्टर का मीडियम, उसमें डायरेक्टर, कैमरामैन और एडिटर, ये तीन सबसे अभिन्न लोग होते हैं जो सिनेमा को तैयार करते हैं, आप कितने भी अच्छे अभिनय कर ली, एडिटर अगर आपका कार्ड देता है वो डायलॉग, वो मोमेंट अगर आपको कार्ड देता है तो आपका अभिनय दिखेगा, हो सकता है कि आपने बहुत बड़े अभिनय किया लेकिन एडिटर शॉट लगाता है आपके ऑपोजिट वाले आदमी का, उसके रिएक्शन का, आपका नहीं, सभी हो सकता है, तो आपका अभिनय दूसरी तरफ चला, ये सिनेमा, इसमें कैमरा, डायरेक्टर, एडिटर का हाथ सबसे बड़ा, टेलीविजन में राइटर का सबसे बड़ा, वो हर एपिसोड का प्लॉट लिखता है और वो प्लॉट आपको कैरी करता है, उसमें डायरेक्टर सिर्फ एक शो रनर होता है, डायरेक्टर के लिए ज्यादा कुछ डायरेक्ट करने के लिए नहीं होता, और थिएटर एक्टर का मीडियम, क्योंकि डायरेक्टर ने आपको रिहर्सल प्रोसेस में सब कुछ आपके साथ किया लेकिन फाइनली जब आप स्टेज पे जाएंगे तो कोई नहीं होता है, कोई डायरेक्टर, कोई एडिटर, कोई कैमरामैन, कोई नहीं होता है आपका हाथ पकड़ने के लिए, नाटक भी आप होते हैं, डायरेक्टर भी आप होते हैं, चरित्र भी आप होते हैं, लाइट भी आप होते हैं, साउंड भी आप होते हैं, सब कुछ आप होते हैं, सब कुछ आप, और आपके ऑडियंस के बीच में एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है, कैमरे के आपका अभिनय में क्या होता है कि ऑडियंस जब आपको देखती है स्क्रीन पे तब आप नहीं होते वहां, आपका रिकॉर्डेड वर्जन होता है और आप तो उसको बदल नहीं सकते, लेकिन थिएटर में आप पल पल हर चीज बदल सकते, आप एक चीज कर रहे हैं और उस वक्त कुछ हो जाता है स्टेज पे या ऑडियंस के बीच में, अब उस चीज को बदलते हैं और एक नई रियलिटी तैयार करते हैं, ये आपकी आपका क्राफ्ट की चीज। अब इसमें एक बात मैं कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि हर अच्छा थिएटर एक्टर हर अच्छा सिनेमा एक्टर बनेगा, ये जरूरी नहीं कि हर सिनेमा एक्टर नाटक कर पाएगा, और ये जरूरी नहीं कि सिनेमा करने के लिए नाटक करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, बहुत सी फिल्म्स ऐसी हुई हैं दुनिया में, बेहतरीन वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट फिल्म्स कुछ बनी है जिसमें प्रोफेशनल एक्टर्स को नहीं लिया गया, जिसमें वो जो काम करता है उसी आदमी को लेकर वही काम करवाया गया है कैमरे के साथ, और आपको अभिनय दिखेगा क्योंकि वो अभिनय कर ही नहीं रहे, आप एक चाय वाले को लेते हैं और उसे चाय बनवाते हैं, उसको आप शूट करते हैं, आप एक एक्टर को लेते हैं उसको कहते हैं चाय बनाओ और उसको शूट करते हैं, जो चाय वाला चाय बनाएगा वो एक्टर से बेहतर चाय बनाएगा, ज्यादा आराम से चाय बनाएगा, और आप उसको शूट करें, ये वहम छोड़ दीजिए कि सिनेमा में एक्टिंग करने के लिए आपको एक्टर होना जरूरी, ऐसी बहुत फिल्में बनी है जो नॉन एक्टर, नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स आम आदमी को लेकर बनाया गया, लेकिन अगर आप इमोशनल एक्टिंग की बात करते हैं, नहीं बाइसेकल चीफ से शुरू होके सतीन्द्र के पाते पाते हैं लेटेस्ट में जैसे ना बॉम्बे, ऐसे बहुत फिल्में बनी है, तो ये फर्क है, जैसे मैंने कहा बेस एक है,
टैलेंट का होना, क्राफ्ट का होना, और टेक्निक आपका बदलता रहता है, जैसे जैसे मीडियम और फॉर्म बदलता है टेक्निक आपका बदलता रहता है। आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आपको थिएटर में जाना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए तो कैमरा का स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा। जॉय अभी ना अगर ये खत्म होता है ना मैं दोबारा लॉग इन करूंगी, क्योंकि अभी मेरे मेरे अपने स्टूडेंट्स की भी क्वेरीज पूरी नहीं हो पाई है, मेरी भी नहीं हो पाई है, हमने लेट ज्वाइन किया था। ठीक है अच्छा अब है क्वेश्चन एक हमारे इसका है बच्चों का, व्हाट इज द डायरेक्टर्स विजन व्हाइल डायरेक्टिंग अ शो। आई थिंक इट्स अबाउट थिएटर ओनली, शी वॉन्ट्स टू आस्क अबाउट थिएटर। ठीक है, डायरेक्टर थिएटर में एक इंटरप्रेटर होता है, प्लेराइट एक नाटक लिखता है, 50,000 नाटक हैं आपके आसपास, डायरेक्टर को अपनी बात कहनी है, कुछ कहना है ऑडियंस से, समाज से, तो वो नाटक ढूंढता है कि ऐसा कौन सा नाटक है जो जिसके जरिए मैं अपनी बात कह पाऊं। उसको मिलता है एक संस्कृत क्लासिकल नाटक निचिकट, या एक ग्रीक क्लासिकल नाटक इडिपस, या एक कंटेम्पररी नाटक, या एक एलिजाबेथियन नाटक, जो भी नाटक मिलता है, और वो कहता है अरे मैं ओथेलो के जरिए ये बात कह पाऊं, तो वो ओथेलो, लेकिन वो सोच वो ओथेलो को इंटरप्रेट करता है कि चलो ओथेलो 450 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ओथेलो को करूं तो उसको मैं कैसे करूं, उसकी मैं क्या सजावट रखूंगा, क्या पहनावा रखूंगा, क्या किस तरह से उसका एटीट्यूड रखूंगा, वो सारी चीज। सब्जेक्ट वही है, शायद लाइंस और डायलॉग्स भी वही है, लेकिन एटीट्यूड और ऑब्जेक्टिव डायरेक्टर अपना डालता है उसमें, और एक्टर्स को आह्वान देता है, इनवाइट करता है कि इस एटीट्यूड इस ऑब्जेक्टिव को आप अपनाओ, ये आपके लिए चैलेंज है, और एक्टर उसको करता है। तब जाके आप एक ओथेलो देखते हैं जो हो सकता है कि एक कैफे से कैफे में एक्ट किया जा रहा है, एक ओपन एयर में काम किया जा रहा है, आप ऐसा देखते हैं, ये डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन। तो स्टेज का डायरेक्शन बेसिकली इंटरप्रिटेशन। दूसरा आता है डिजाइन, आप स्टेज में एक नाटक को डिजाइन कर, क्योंकि सिनेमा से ज्यादा इमेजिनेशन आपको स्टेज में चाहिए, क्यों, क्योंकि सिनेमा में क्या है कि आप कैमरा को कहीं भी लेके जा सकते, एक्चुअल घर में, एक्चुअल समुद्र में, एक्चुअल पहाड़ में, एक्चुअल बिहड़ में, कहीं भी लेके जा सकते, लेकिन स्टेज में ये सारी चीजें आपको क्रिएट करना है एक स्पेस के अंदर, एक बंद स्पेस के अंदर आप पहाड़ भी बनाते हैं, आप नदी भी बनाते हैं, आप एक जिसे कहते हैं तलघर भी बनाते हैं, और एक इमारत भी बनाते हैं। तो ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन डायरेक्टर का होता है, उसके डिजाइन का होता है। हो सकता है कि बेयर स्टेज में वो एक्टर्स को कहे अपने शरीर से ये सब बनाओ, या वो कुछ बांस के जरिए, कुछ रस्सियों के जरिए ये बनाए, या सेट के जरिए दिखाए, या लाइट एंड साउंड के जरिए दिखाए, वो डायरेक्टर का इमेजिनेशन है, और एक्टर जो है इस इमेजिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हो गया थिएटर में डायरेक्शन, जो है इंटरप्रिटेशन और डिजाइनिंग दैट इंटरप्रिटेशन टू कम्युनिकेट। सिनेमा में तो मैंने आपको बता दिया, कैमरे से आप कुछ भी कर सकते हैं, एडिटिंग से आप कुछ भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है फिल्म को एक्चुअली बनाती है, आप एक फिल्म शूट करते हैं लेकिन एडिटिंग फिल्म को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है आप शॉर्ट सिलेक्ट करते हैं, आपके सिलेक्शन और शॉर्ट से एक फिल्म बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है। एक एडिटर एक फिल्म को बना भी सकता है, बेकार। अच्छा एक क्वेश्चन और था ऊपर नहीं मैं तो लूंगी।
ट्रेनिंग दी जाती है, आपके पूरे क्राफ्ट तैयार किया जाता है, आपके अलग अलग नाटक के जरिए, अलग अलग मीडियम और फॉर्म के जरिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स को इन्वाइट किया जाता है, उनके उनकी डायरेक्शन, उनके इंटरप्रिटेशन के जरिए आप अलग अलग विधियां सीखते हैं। एनएसडी कमाल का कमाल की जगह है, जैसे हर हर एक्टिंग मतलब एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूट दुनिया भर में जहां पे भी है कमाल का इंस्टीट्यूट है। जो 3 साल का कोर्स हो, 3 साल मतलब एक्सटेंसिव, आप बहुत कुछ सीखेंगे। 9 महीने का कोर्स हो तो आप ज्यादा कम सीखेंगे, 3 महीने का कोर्स हो तो और कम सीखेंगे। जितना लंबा, जितनी लंबी मतलब आपकी याचिका होगी, आप उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। एनएसडी इज ए ब्रिलियंट। एफटीआई इज ए टेक्निकल, इट्स बेसिकली अबाउट फिल्म कैमरा। तो वहां पे भी आपको जो एक्टिंग क्लासेस होती हैं वहां पे टेक्निक्स या क्राफ्ट तो वही सिखाते जाता है जो एनएसडी में सिखाया जाए। वहां पे भी आपके इम्प्रोवाइजेशन हो, वहां पे भी आपको इमोशनल मेमोरी के बारे में बताया जाएगा, वहां पे भी आपको सीन्स दिया जाएगा करने के लिए, बिल्कुल वैसे जैसे एनएसडी में दिया जाता है। वहां पे भी नाटक करवाया जाएगा, वो तैयारी है। लेकिन एडेड क्या है कि वहां पे कैमरा, एक पर्टिकुलर स्टेज में कैमरा है, वहां पे आपको फिल्में देखने को मिलेंगी, फिल्म स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, फिल्म स्कॉलर्स आपको फिल्मों के बारे में बताएंगे, और फिल्म कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा एक पॉइंट पे जब आपको आपका सीन शूट करके आपको समझाया जाएगा कि क्लोजअप में आप कैसे आप क्लोजअप दे सकते हैं, लॉन्ग शॉट में आपको क्या करना चाहिए, मिड शॉट में आपका क्या रिलेशन होना चाहिए। आपकी समझ बढ़ती है तो जब आप फिल्मों में अभिनय करने जाते हैं कुछ हद तक आपको कैमरे की समझ होती है। लेकिन अगर आप फिल्म के स्टूडेंट होते हैं तो आपकी फिल्म शिक्षा बहुत बड़ी होती है। मैं फिल्म का स्टूडेंट बचपन से मैंने शुरू किया, मैंने 9th 10th में जब था तब से मैं दिल्ली में ट्रेड फेयर ग्राउंड में शकुंतलम करके एक हॉल हुआ करता था जहां पे वर्ल्ड सिनेमा, अभी भी है प्रगति मैदान में, अभी वहां पे फिल्में क्या दिखाई जाती है पता नहीं, उन दिनों वर्ल्ड सिनेमा दिखाई जाता था, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, शाम को होता था इंटरनेशनल वर्ल्ड सिनेमा। मैं उन दिनों दोपहर को इंडिया के पैरेलल सिनेमा और आर्ट हाउस सीरियस सिनेमा की सारी फिल्में 3 बजे देखता था, मैं क्लास 10 में था। और शाम को उन दिनों की बात जब मैंने रशियन मास्टर्स की फिल्में, अमेरिकन इंडिपेंडेंट सिनेमा, रॉबर्ट डिनीरो फेस्टिवल, मेरिल फेस्टिवल, पॉल माज़ोस्की फेस्टिवल, आइजनस्टाइन फेस्टिवल, वो सब कुछ मैंने वहां पे देखा था। दिल्ली में उन दिनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। मैं जब क्लास 11th में था तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे जो एनएमडीसी में काम करते थे, वो मुझे लेके गए। तो मैंने उस समय जंगलू गुडार, जो सबसे डिफिकल्ट फिल्म मेकर हुआ करते थे, उनकी फिल्म उस समय देख ली। तो फिल्म की मैं इंटरेस्ट में पहले से था, फिल्म देखना, देख के समझना, उसका विश्लेषण करना, उसके लेके पढ़ाई करना, मेरे पास बतेरे किताबें हैं फिल्मों को लेकर पढ़ाई करता हूँ। तो मैं जब फिल्मों में काम करता हूँ तो आई डोंट वर्क लाइक ए पपेट एक्टर, आई वर्क लाइक ए कोलैबोरेटर। मैं डायरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, और कई बार अगर मुझे लगता है कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा सीन को, तो कभी कभी मैं सजेस्ट भी करता हूँ। ये डिपेंड करता है आप किसको सजेस्ट। अगर डायरेक्टर दिग्गज है, सीनियर है, अगर वो क्राफ्ट के बारे में अपना कॉन्फिडेंट है तो आप नहीं करें। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्टर है जो कोलैबोरेट करना चाहता है आपके साथ एक सीन को बेहतर करना चाहता है, तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इस शॉट को ऐसे ना लेके वैसे ले, इसको अगर हम ना ले तो इसको दिखाएं ना दिखाएं, जो भी है। लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस, आपकी सिनेमा की समझ, और वो समझ जो है तभी बन पाएगी जगह आप बतेरे फिल्में देखेंगे दुनिया भर की, और उस फिल्म को सिर्फ देखेंगे नहीं, आप उसको विश्लेषण करेंगे, उस फिल्म को समझेंगे, उसके कंटेंट और फॉर्म को समझेंगे। इस फिल्म मेकर ने इस फिल्म को इस तरह से क्यों बनाया, ये फिल्म मेकर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुली कह पाया नहीं कह पाया, अगर कह पाया तो वो मेरे बात मन को कैसे छू, उसके लिए क्या तकनीक अपनाए, कहते हैं फिल्म स्टडीज। तो अगर आप फिल्म स्टडीज करते हैं ऑब्वियसली आप सिनेमा से वैसे भी जुड़ गए, और अगर आप एफटीआई जाते हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप 2 साल तक वहां पे रह के सिनेमा देखिए, सिनेमा को समझे, और एक्टिंग की बेसिक्स को जो आप एनएसडी में भी सीख सकते हैं। अच्छा जॉय, और एक पूछ रही थी कि जैसे बीइंग एन एक्टर, थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, जब आप कोई चीज देखने जाते हो एज अ स्पेक्टेटर, एज एन ऑडियंस आप जाते हो, तब आपका नजरिया क्या होता है, क्या आप टेक्निक
एज ए रीडर पढ़ो, ठीक है। लेकिन आप अगर लिटरेचर स्टूडेंट रहे हैं तो पढ़ने के बाद आपको समझ, आपको आपको एक किताब अच्छी लगती है तो आप सवाल करते हैं अपने आप से ये अच्छी क्यों लगी मेरे को, तो आप कहते हैं कि सब्जेक्ट अच्छी थी, लेकिन सब्जेक्ट को राइटर ने कैसे कम्युनिकेट किया, क्या उसने फर्स्ट पर्सन में कम्युनिकेट किया, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, क्या उसने मुझे पास्ट से प्रेजेंट में लाया, प्रेजेंट से पास्ट में लेके गए, क्या उसने टाइम एंड स्पेस को तोड़ा, वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपका लिटरेचर स्टूडेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप राइटर हैं तो आप अपना नया पेपर ढूंढ, तो एक्टिंग में भी यही होता है, जब आप एक फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो एज एन ऑडियंस देखते हैं, वो आपको टच करता है, लेकिन उसके बाद क्यों टच करती है उसका विश्लेषण आपके अंदर ऑलरेडी तैयार हो जाता है, शुरू हो जाता है, दिमाग चलता है, आपको पता लगता है कि ये जो लड़का टाइट स्पॉट में खड़े होकर इस बात को कह रहा है ये बड़ा इफेक्टिव है, बजाय इसके कि अपने कमरे में जनरल लाइट में उठ गए, या ये जो लड़का ऑडियंस के बीच में आके थर्ड वॉल को तोड़ के, फोर्थ वॉल को तोड़ के जो ऑडियंस के बीच में आ गया है और ये कर रहा है, इस ये कुछ मजा नहीं, क्योंकि ये फिल्म, ये नाटक का फॉर्म कुछ और था, उस फॉर्म को तोड़ के इस फॉर्म में आ गए, ये सारी चीजें आपके अंदर, चूंकि आप थिएटर के स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर ये भी काम करेगा, एज एन ऑडियंस आप रिएक्ट करेंगे, एज ए थिएटर स्टूडेंट आप एनालाइज करेंगे, एंड एज एन एक्टर आप हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, ये आपके अंदर रहेगा, आप कुछ भी अच्छा देखेंगे, कोई भी इमोशन देखेंगे तो आपका अपना प्रोजेक्शन भी होगा, जब आप नसरुद्दीन शाह को एक नाटक में फादर में किरदार करते हुए देखते हैं तो वो एक चीज बहुत बखूबी करते हैं, तो आपका अपना खुद का प्रोजेक्शन होता है कि अरे ये कितना बढ़िया किया, ये मेरे से नहीं हो पाता, मैं तो ऐसे करता, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होना जरूरी है, तभी आप में और एक आम ऑडियंस में यही तो फर्क है, एक आम ऑडियंस एक चीज को देखती है बिना समझे, उसको आप कूड़ा, कभी कई बार एक आम ऑडियंस कूड़ा और कचरे के बीच में फर्क नहीं कर पाता, कूड़े कचरे और स्वच्छ के बीच में फर्क नहीं कर पाता, उसको जो देंगे वो देख लेगी क्योंकि वो टाइम पास करने के लिए देख, लेकिन आप अगर कर्मी है, थिएटर कल्चरल कर्मी है, तो आप टाइम पास करने के लिए नहीं देखते, आप अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस को, वो आपके एक्सपीरियंस को ऐड करता है और आपकी चेतना। ओके, एक हमारे यहाँ पूछा है मानसी ने, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स, मींस इंडस्ट्री ट्रेंड्स व्हिच एस्पायरेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट, मे बी फिल्म के बारे में ही है। करंट ट्रेंड्स तो जो आप फिल्में देखेंगे वही इसी से आपको ट्रेंड पता चलेगा, आज जो फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों का विश्लेषण कीजिए, इस तरह की फिल्में बन रही हैं, जो फिल्में सक्सेसफुल हो रही हैं उसके आप विश्लेषण कीजिए, मेरे लिए जो ट्रेंड मैंने देखा है, दो ट्रेंड चल रही हैं, एक कुछ छोटी फिल्में की ट्रेंड है जहां पे जो फिल्में राइटर्स की का मीडियम बन गया है, क्योंकि उन फिल्मों के राइटर्स जो है छोटे शहरों से आए हुए हैं और वो अपने छोटे शहर की बात को अपनी फिल्मों में बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फिल्में में एक्टर्स भी लिए जा रहे हैं जो बेहतरीन एक्टर्स हैं और छोटे शहर को अच्छी तरह से निभा सके, चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, चाहे राजकुमार राव हो, है ना, तो इस तरह। दूसरा जो ट्रेंड चल रहा है वो एक तरह से पेट्रियोटिक फिल्म का ट्रेंड चल, भारतीय झंडा और भारत माता की जय का ट्रेंड चल, चाहे वो स्पोर्ट्स के बायोपिक से आप दिखाएं, चाहे आप आर्मी के बायोपिक से आप दिखाएं, चाहे आप सीबीआई या रॉ के बायोपिक से आप दिखाएं, चाहे किसी के या राजहांसी की रानी के बायोपिक, जी हाँ, वो नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का दौर चल रहा है जिसमें झंडा भी उठेगा, जनगण मन भी गाया जाएगा, भारत माता की जय भी किया जाएगा, और आप खुशी खुशी छात्र सीना मारा मतलब न्यूज़पेपर के लिए वगैरह सबके लिए, आई थिंक स्टेट्समैन या किसमें मैं भूल रही हूँ, काफी पहले, काफी साल पहले मैंने पढ़ा हुआ है, तो एक क्रिटिक की तरीके से, मतलब वो जर्नलिज्म आ गया उसके अंदर, तो एक आर्टिस्ट का एक जर्नलिज्म की तरह के एलिमेंट्स से कैसे प्रभावित होना और फिर उसको किस तरीके से निकालना, ये क्या कहीं वो चीज है
सिचुएशन होती है जो हम स्टेज पे नहीं कर पाते, नहीं मिलता है, तो हम उसमें जाकर लिखकर और फिर उस हिसाब से निकालते हैं। यह सिर्फ एक विजिलेंटी अवेयरनेस है। आप कह रहे हैं कि सोशल नेटवर्क पे जो अपनी भड़ास निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं? नॉट ओनली सोशल, जो पहले भी मैं मतलब अब तक पहले भी मैंने पढ़ा हुआ है, सोशल पे तो अब ज्यादा चल रहा है, जो अब पहले भी है, तो मतलब इसका गेम्स में भी आपका लिखा हुआ मैंने पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स पे पहले भी लिखा हुआ पढ़ा है, अब तो खैर पढ़ती ही हूँ ज्यादा ही। तो वो चीज जो है वो क्या है कि जो जॉय सेन गुप्ता इज नॉट एबल टू डू इट ऑन स्टेज और ही इज नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ कैथार्सिस, वो वहां पर होता है। नहीं, स्टेज पे से मुझे कैथार्सिस का बहुत मौका मिलता है। जो स्टेज पे नहीं मिलता है कई बार फिल्मों में मिल जाता है। क्योंकि मैं दो भाषाओं में फिल्म कर लेता हूँ वो मिल जाता है। बात कैथार्सिस की, बात एक्सप्रेस करने की। अगर आप एक जागरूक इंसान है तो आप हर चीज को जागरूकता के साथ देखिए, और अगर आप सेंसिटिव इंसान है तो आप सेंस भी करेंगे और आपको उसका इफेक्ट भी होगा, ठीक है। और चूंकि आप एक्सप्रेसिव हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके एक्सप्रेशन में आ जाए। एक्सप्रेशन दो तरह की होती है, एक पर्सनल एक्सप्रेशन होता है और एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। हम एक्टर की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पर्सनल कम होती है, कलेक्टिव ज्यादा होती है, क्योंकि हम दूसरों के लिखे हुए नाटक या फिल्मों पे काम करते हैं, दूसरों के द्वारा निर्देशित चीजों में काम करते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन वहां पे कलेक्टिव होता है। लेकिन एक पर्सनल एक्सप्रेशन भी होता है, वो हर इंसान का होता है। वो एक्सप्रेशन आपका अपना खुद का एक्सप्रेशन होता है, जिसके अंदर आर्ट कल्चर के आने की जरूरत है। वो आपका रॉ एक्सप्रेशन है, वो आपका रिस्पॉन्स। आपके बगल में घर अगर जल रहा है तो आप वहां पे नाटक लिखने नहीं बैठे या कविता लिखने नहीं बैठे, आप दौड़ते जाएंगे, पानी डालेंगे, वहां से लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, फिर पुलिस में एफआईआर कराएंगे, आप जांच पड़ताल करेंगे, उनको अपने घर में पनाह दें। आप नाटक बाद में, अगर बाद में, तो आपकी जिंदगी में, आपके समाज में, आपके समय में जो हो रहा है वो अगर आपको नहीं छूती है, आपको नहीं भाती है, आपके अंदर से वो रिस्पॉन्स नहीं निकालती है, तो वो आपकी शख्सियत है। मेरी शख्सियत ये है कि मैं रिस्पॉन्सता हूँ क्योंकि मैं इफेक्टेड होता हूँ, क्योंकि मैं कंसर्न होता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर दाग छोड़ती है, और वो दाग छोड़ती है तो मैं दाग के बारे में बात करता हूँ, और वो मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन। अब कई बार ऐसा मौका जरूर मिल जाता है कि आप एक ऐसा नाटक करते हैं जो आपकी बात को सक्षमता के साथ रख सके। मैं स्ट्रीट प्ले इसलिए करता था, मैं जो स्ट्रीट प्लेस करता था उसमें बहुत सारे प्लेस थे जो कंटेम्पररी इश्यूज को लेकर थे, जो आज मेरे इर्द गिर्द हो रहे हैं, चाहे वो मजदूर के वेतन को लेकर हो, चाहे औरत की समस्या को लेकर, चाहे देश की एकता और अखंडता को लेकर, जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर। और कुछ प्लेस होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, जो बात को कहते हैं आज की बात में। फॉर एग्जाम्पल, अगर निर्भया के केस को लेकर आप एक नाटक करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को निभाती है। लेकिन आप एक ग्रीक क्लासिकल प्ले करते हैं, मीडिया करते हैं, कुछ करते हैं जिसमें एक औरत की बात की जा रही है, और वो यूनिवर्सल और टाइमलेस, वो निर्भया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर एक औरत की बात कही जा रही है, एक औरत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक टाइमलेसनेस है कि औरत के शोषण का कोई टाइम नहीं, कोई पीरियड नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। वो आप क्लासिकल नाटक के जरिए, और आप जो स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं निर्भया के ऊपर आज के इस मुद्दे पे, और अगर आप उस स्ट्रीट प्ले नहीं कर रहे हैं तो निर्भया के ऊपर आप बात कर रहे हैं या आप उस पर लिख रहे हैं, वो भी आपका एक्सप्रेशन। तो पर्सनल एक्सप्रेशन एंड कल्चर, ये दोनों एक्सप्रेशन आपके साथ साथ। अच्छा, एक हमारे यहाँ अक्षय ने पूछा है, ड्यू टू डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ थिएटर? थिएटर का तो पास्ट भी बहुत बड़ा है, और इसलिए फ्यूचर मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले, या यूं कहिए कि 15,000 साल पहले, प्री हिस्टोरिक टाइम से थिएटर चला आ रहा है। जब
प्री हिस्टोरिक मैन, अर्ली मैन शिकार करके आता था और गुफा में शिकार का नाटक करके दिखाता था लोगों को, तो वो नाटक की शुरुआत। जब आग का विस्फोट हुआ और आग से जो शैडो तैयार होती थी उससे वो दीवारों में वो फॉर्मेशन करता था, वहां से आपका पैंटोमाइम सिलसिला जाए। क्लासिकल युग में, ग्रीक क्लासिकल, सैनिक क्लासिकल युग में क्लासिकल नाटक चले। जब डिक्टेटर्स आए और उन्होंने कल्चर पे अटैक किया, उन्होंने कहा नाटक नहीं होगा, तब भी नाटक होता, ठीक है। जब रेडियो का उदय हुआ तब भी नाटक होता रहा, जब सिनेमा आविष्कार हुआ उसके बाद भी नाटक चलता रहा, जब टेलीविजन आया तो सबने कहा अब तो बंद, क्योंकि टेलीविजन से सिनेमा को कॉम्पिटिशन हो रहा था, नाटक क्या करता, नाटक भी चलता रहा। तो नाटक इसलिए चलता क्योंकि नाटक समाज का प्रतीक होता है, समाज को सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कोई मीडियम रिप्रेजेंट करता है वो है नाटक, क्योंकि नाटक एक शेयर्ड एक्सपीरियंस, वो समाज का सबसे अभिन्न अंग है। नाटक क्या है, 10-12 लोग जो अलग अलग समाज के तबके से आए हैं एक साथ मिलकर संगीन बात को एक सुर में कहने की कोशिश करते हैं, ये सामाजिक या इंटेग्रिटी कहते हैं। उस बात को वो स्टेज पे आके कहते हैं 300 लोग या 500 लोगों के सामने, और वो 500 लोग उस वक्त उस बात को सुनते हुए रिएक्ट करते हैं, यानी कि वो उस एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। जब एक फिल्म दिखाई जाती है हॉल में तो एक्टर्स नहीं होते हॉल, उनको नहीं पता, डायरेक्टर को नहीं पता कि ऑडियंस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ऑडियंस एक रिकॉर्डेड इमेज देखती है और वो रिएक्ट करती है, वो शेयर्ड एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन नाटक में एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है, ऑडियंस और एक्टर्स एक हो जाते हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ ट्रूथ में, और यही है समाज की सबसे प्योर छवि। जब समाज का मतलब होता है आपका एक साथ आना, समाज मतलब अकेले जीना नहीं, समाज का मतलब एक साथ आना, एक साथ जीना, एक साथ रिस्पॉन्ड करना, उसको समाज कहते हैं। तो जब तक मेरे ख्याल से समाज या सामाजिक गतिविधियां रहेंगी तब तक नाटक की जरूरत रहेगी, वो किसी भी तरीके से आए, आप चाहे नाटक में और टेक्नोलॉजी लाए, चाहे नाटक को आप स्टेज से बाहर लेके ओपन स्पेस में लेके जाए, या नाटक को आप डिजिटली भी प्रोजेक्ट करें, पता नहीं क्या कुछ हो सकता, लेकिन नाटक चूंकि सबसे बेसिक है इसलिए वो हमेशा रहेगा। क्योंकि नाटक करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप नाटक करना चाहते आपके पास एक कुछ कहने के लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए, एक एक्टर होना चाहिए और एक स्पेस होना चाहिए और एक ऑडियंस होना चाहिए। बस 5 लोग सामने बैठे हैं आपके आप एक स्पेस उसके सामने के स्पेस में आते हैं और आपकी अपनी बात को इमोशंस के साथ, रस के साथ, ह्यूमर के साथ, अलग अलग तरीके से आप उस बात को कहते हैं, वो है नाटक। लेकिन एक फिल्म बनाने के लिए आपको लाखों करोड़ों की बजट चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको 75 और 200 और लोग चाहिए होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते। नाटक करने के लिए आपको नहीं चाहिए, रेडियो के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, एयरवेव्स चाहिए, सब चाहिए, नाटक के लिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए नाटक भी जिंदा है। नहीं मतलब जैसे है ना कि सलमान खान जैसे आते हैं उसके ऊपर स्क्रीन पे आए तो लोग सीटियां और तालियां बजाते हैं, बट सलमान खान इज नॉट देयर टू हियर दैट सीटी एंड ताली, वेयर एज जॉयस एंड गुप्ता इज परफॉर्मिंग देयर एंड पीपल आर विसलिंग और क्लैप कर रहा है, तो जॉय कैन हियर इट एंड ही कैन रिलिश इट। तो है ही है, तालियां मिलती हैं वो तो है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो तो है ही है, आप ऑडियंस के नहीं, मतलब रिएक्शन एस्टैब्लिश होता है ना अपना, एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है कि हाँ 1-to-1 बात हो रही है हमारी। बिल्कुल आपको जो स्ट्रेंथ आपको मिलता है, जो शक्ति प्रदान होता है, और सिर्फ ऑडियंस आपको नहीं, आप भी ऑडियंस को शक्ति देते हैं, आप अपनी आप उनकी सच्चाई को स्टेज पे जिस समय क्रिएट करते हैं वो सच्चाई को उस वक्त जीते हैं, इसलिए ये सच्चाई जो है दोनों के लिए वो कॉमन सच्चाई बन जाती है, वो किसी और मीडियम में होना बड़ा मुश्किल। आप सिनेमा अकेले देख सकते हैं, एकदम अकेले आज सिनेमा डिजिटल अकेले ही देख रहे हैं, और अकेले आप उसमें ब्रेक लगाते हैं, आप फोन अटेंड करते हैं, आप चाय पीते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, एक ब्रोकन तरीके से वो आपका एक्सपीरियंस चलता है, और अंत में आप कहते हैं अच्छी कहानी बस यही होती। लेकिन नाटक में सिर्फ अच्छी कहानी नहीं होती, नाटक में आपका सामाजिक और राजनीतिक एक्सपीरियंस होता है, उस वक्त उस नाटक के जरिए
एक वाद विवाद तैयार होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने रखा जाता है सामाजिक, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप उसी वक्त एक सामाजिक और एक राजनीतिक चेतनाशील इंसान बनता है उसी वक्त। अच्छा, जो है एक और था कि एक्टिंग के अलावा जो आप मतलब आप एक टीचर भी है, वर्कशॉप भी लेते हैं और ये सारे मीडियम्स में भी यू आर क्वाइट एक्टिव, अब इसके अलावा जो आपका एक और है वो है वॉइस ओवर का, तो जैसे कि क्या कहते हैं इसके लिए अभी आपका जो लेटेस्ट आया था कैप्टन अमेरिका का हुआ, हाँ उस तरीके से आप और भी चीजों के लिए, और भी फिल्म के लिए, कार्टून के लिए वगैरह जो वॉइस ओवर का करते हो, तो उसका किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, क्योंकि दैट जॉनरा इज स्लाइटली डिफरेंट, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी इज नॉट देयर, ओनली योर वॉइस इज देयर, एक रिकॉर्डेड चीज है, तो उसके लिए प्रिपरेशन का क्या मेथड है आपका? देखिए वॉइस का मतलब है, वॉइस के आर्ट का मतलब है आप आवाज के जरिए इमेज तैयार, सिनेमा में कैमरा इमेज बनती है, थिएटर में आप अपने शरीर और आवाज दोनों का इस्तेमाल करके इमेज तैयार करते हैं, लेकिन ऑडियो वाले मीडियम में आपकी आवाज इमेज तैयार, वहां पे आप जिस तरह से मॉड्यूलेट करते हैं, जिस तरह से शब्दोच्चारण करते हैं, जिस तरह से पॉजेस देते हैं, और जिस तरह से उन शब्दों लाइनों पैराग्राफ्स को आप प्रोजेक्ट करते हैं, वो सिर्फ ऑडियो लेवल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऑडियो लेवल पे वो इमेज तैयार होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो टेक्निक है वो ये है कि आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी आपकी भाषा या बातचीत में वो क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके सांस सांसों पे वो कंट्रोल होना चाहिए, आपको माइक के मीडियम को समझने की जरूरत है कि माइक के साथ आपका क्या रिश्ता होता है, माइक में क्या चीज किस तरह से जाता है, कैसे प्रोजेक्शन होता है, फलाने। जहां तक वॉइस ओवर का सवाल है, वॉइस ओवर जो है वो आपकी आवाज को रखा जाता है, वो आप जो ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस आपको या दिए जाते हैं, आप तैयार करते हैं डायरेक्टर के लिए, वो ऑप्शंस आप अलग अलग देते हैं, जो बेस्ट ऑप्शंस होता है वो उसको रखते हैं। जहां तक डबिंग का सवाल होता है, जैसे कैप्टन अमेरिका जो डबिंग जो मैं किसी ने कैरेक्टर तैयार किया है, उस वो ऑलरेडी तैयार है, वो एस्टेब्लिश कैरेक्टर है, वो एस्टेब्लिश इमोशन से एस्टेब्लिश तरीके से बोला गया है, उसको मुझे हिंदी में डब करना है। अब करना क्या है मुझे, पहली बात तो मुझे उस कैरेक्टर के जो बेसिक ट्रेट्स है वो मुझे अपनी आवाज में लानी, अगर कैप्टन अमेरिका है तो लीडरशिप क्वालिटी आनी, अगर कैप्टन अमेरिका जो है के बोलने का तरीका मेजर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा रफ नहीं है, तो वो मेजर्ड तरीका आना चाहिए, अगर कैप्टन अमेरिका के अंदर एक ठंडक है और ठंडे तरीके से वो चीजों को रखता है, वो जल्दी से गर्म या गुस्सेल नहीं होता है, तो वो ठंडे एटमोस्फेयर को मुझे तैयार करना पड़ेगा बात करने के, साथ ही साथ मुझे ये देखना होगा कि मैं अब ये हिंदी में कर रहा हूं, तो हिंदी की जो ऑडियंस है वो इमोशंस को थोड़े अलग तरीके से लेते, डिग्रीज अलग होती है, अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा बहुत इकोनॉमिकल भाषा है, हिंदी में जब उस चीज को लिखा जाता है तो हिंदी टर्म्स आते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है, वो थोड़े अलग तरीके से आते। दूसरी जैसे कि हिंदी की ऑडियंस हीरोइज्म को थोड़े अलग तरीके से है ना, हमारे कल्चर में हीरोइज्म अलग तरीके से, तो मुझे वो बॉलीवुड के हीरोइज्म से इंडियन हीरोइज्म में लाना पड़ेगा, तो उस इंडियन हीरोइज्म के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और हिंदी के भाषा में जो उस तरह से वो लिखा गया है उसको मुझे समझना पड़ेगा, उस चीज को मुझे वास्तविक बनाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस ने जिस तरह से कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लाना पड़ेगा, हिंदी की भाषा को मुझे जिंदा करना पड़ेगा, और हमारे खुद के कल्चरल एटीट्यूड को भी पड़ेगा, तो ये तीनों चीजें जो बहुत सारी। अच्छा, एक और पूछना था, वन ऑफ माय फेवरेट प्ले जिसमें आपने किया हुआ एक्टिंग, डॉल्स हाउस, उसके बारे में कई बार मैं तारीफों के पुल भी बांध चुकी हूँ, तो डॉल्स हाउस का डॉक्टर का कैरेक्टर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, और उसका वो जो बंगला पृष्ठभूमि में जो हुआ है, डॉल्स हाउस के कई वर्जन देखे मैंने, एक ड्वार्फ वर्जन भी देखा जो इंटरनेशनल था, उसके बाद मुझे इंडियन वर्जन में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा, उसके बाद आपने बोला था कि जो इप्सन फेस्टिवल होगा उसके अंदर आप डॉल्स हाउस के जितने भी मेल कैरेक्टर्स हैं
यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल ऑफ देम. मैंने किया है ना, तो उसके लिए मुझे सवाल पूछना था. मैं सॉरी मैं देख नहीं पाई क्योंकि मुंबई में हुआ वो, हम दिल्ली पे बैठे हुए हैं तो देख नहीं पाए. कहीं रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू वॉच इट. बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि उससे जुड़ा है और कई, और उसमें आपको जब एक कैरेक्टर से, एक टाइप के कैरेक्टर से दूसरे टाइप के कैरेक्टर पे स्लिप इन होना पड़ता है, फिर उसमें से निकल के अगेन बैक टू द फर्स्ट कैरेक्टर, फिर फर्स्ट में से थर्ड में जाना पड़ता है, थर्ड से फिर फोर्थ में अगेन बैक टू द फर्स्ट और सेकेंड, तो वो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और एट द टाइम ऑफ रिहर्सल उसके लिए आपकी क्या तैयारी होती? देखिए ये पूरा क्राफ्ट है, मल्टीपल मतलब ये... क्योंकि जो आपका ये होता है जिसमें फिल्म है, फिल्म में तो आप कितने ही रोल कर सकते हो, डबल रोल ट्रिपल रोल, बट वो अलग अलग टाइम पे होते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन थिएटर. तो उस टाइम कैसे हो पाता है? देखिए जैसे मैंने बताया शुरू में कि ये टेक्निक और क्राफ्ट, क्राफ्ट है आपकी आवाज, आपके बॉडी लैंग्वेज. अब अपनी आवाज को बदलते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को, आप अगर मौका मिले तो कॉस्ट्यूम बदलते हैं, अगर मौका ना मिले तो लोगों को बिलीव करवाते हैं कि आपने जो पहना है वही एक अलग कॉस्ट्यूम, बेसिक कॉस्ट्यूम, ठीक है ना. ये आपकी टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टैलेंट पे. उनको कन्विंस करने का टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, आपकी क्राफ्ट होनी चाहिए वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज की, कि आप कैरेक्टर में बहुत सटल चेंजेस लाए. देखिए पूरी तरह से एक शरीर को बदलना संभव नहीं है, ठीक है ना. आप जैसी डिल डोल की है, मैं जैसे डिल डोल का वो तो वही रहेगा. मैं अचानक 6 फुटा नहीं हो जाऊंगा, मैं अचानक 1.5 फुटा नहीं हो जाऊंगा, मैं वही रहूंगा. देखिए मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं 6 फुटा, ठीक है. तो ये मेरे टैलेंट भी है और वो मेरा क्राफ्ट. अच्छा एक है टेक्निक. अब थिएटर में एक जो टेक्निक है वो बहुत कमाल की टेक्निक है, इसलिए मैं थिएटर को बहुत इमेजिनेशन के अंदर सबसे सर्वोत्तम मानता हूँ, क्योंकि थिएटर की टेक्निक है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. आप किसी चीज को अविश्वास करते हैं, इस चीज को आप सस्पेंड करते हैं. मैं स्टेज पे खाली स्टेज को दिखाकर आपसे कह सकता हूं कि गंगा कितनी दूषित हो. अब ये मेरा टेक्निक है कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि ये खाली स्टेज गंगा है और ये दूषित है, और ऑडियंस ये माने अगर मैं मनवा सकूं कि वो गंगा है, ठीक है. ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो थिएटर में सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है. मैं उसी शरीर को थोड़ा सा झुका के उनको कन्विंस कर सकता हूं अब मैं कोई और, या एक ही परफॉर्मेंस के दौरान मैं मेरा एज बढ़ सकता है. जैसे मैंने गांधी का रोल किया था तो 26 की उम्र से 76 की उम्र तक का रोल था, तो हर सीन में वो बदल जाता, हर सीन में वो 10-12 साल का इजाफा होता. तो वो मेरा टेक्निक, हाँ, तो वो क्राफ्ट है कि आप गांधी को किस तरह से क्रिएट करते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है थिएटर में. यही मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप कैरेक्टर के स्पिरिट को पकड़ते, आप उसका कैरिकेचर नहीं बना, आप मिमिक्री नहीं करते. मिमिक्री में और एक्टिंग में नहीं करते, मिमिक्री में आप सिर्फ एक बाहरी 2-3 एलिमेंट्स को लेकर उसी को उछालते रहते, और एक्टिंग में आप एक कैरेक्टर के अंदर की जो दुनिया है उसको पकड़, स्पिरिट कहते. अगर मैं अंदर की दुनिया को पकड़ पाऊं तो एक ही जगह खड़े होकर एक ही तरीके से मैं 5 कैरेक्टर की बातें कह सकता हूं, और ऑडियंस मानेगी कि ये 5 अलग अलग कैरेक्टर कह रहे हैं. वो होता है कैरेक्टर की स्पिरिट. तो एक हो गया क्राफ्ट, आवाज, बॉडी लैंग्वेज, एक हो गया आपका कॉस्ट्यूम. हो सकता है कि मैंने गले में एक स्कार्फ डाला तो एक अलग कैरेक्टर बन गया, ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. मैंने सर पे पुलिस की टोपी डाली तो मैं पुलिस बन गया, वो पुलिस की टोपी निकाल के नेता की टोपी डाली तो मैं नेता बन गया, ठीक है ना. ये जो है ये भी क्राफ्ट का हिस्सा है. सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये है कि मैं इसी स्पेस में अलग अलग बन जाऊं और आप मुझे माने, तो मेरा टैलेंट है और थिएटर की वो टेक्निक है. और कोई एक टेक्निक आप उस प्ले में, जैसे डॉल्स हाउस में टेक्निक था कि जैसे ही एक सीन खत्म होता, सीन खत्म करने के लिए मैं हाथ में घंटी बजाता, मेरे हाथ में घंटी, तो मैं वो घंटी बजाता तो सीन खत्म हो गया. ऑडियंस को भी इशारा था कि ये सीन खत्म हो. हमने पूरा डॉल्स हाउस एक बंदूक के अंदर किया था, रस्सी का एक सिर्फ दायरा था, कोई सेट नहीं था, कुछ नहीं, रस्सी के एक दायरे के अंदर 2 कैरेक्टर पूरा प्ले कर. तो मैं रस्सी के दायरे से बाहर आता हूँ,
जो हमारा डायरेक्टर था वही गिटार लेके साइड में बैठा हुआ, वो एक धुन बजा। उस धुन के दौरान मैं उसी स्टेज में कुर्सी से एक पहनावा निकाल के दूसरा पहनावा पहनता, मैं वापस आता, मैं पहनावा पहन के घूमता था और मैं उस थिएटर के बाहर आता था। बाहर आके एक धुन होता था, मैं गिटार की धुन बंद होती थी, अंदर आके एक पर्टिकुलर जेस्चर या पर्टिकुलर साउंड करता था जो उस कैरेक्टर का साउंड, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो हाई पिच आवाज हो, चाहे कुछ, और उससे दूसरी कैरेक्टर जो है नोरा इधर मूव टर्न करती थी और हमारा सीन शुरू होता था। इसको इस तरीके से मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स की, मैंने एक फीमेल कैरेक्टर, उसमें फीमेल कैरेक्टर भी किया था, नोरा की जो फ्रेंड किसका वाला, नोरा की जो फ्रेंड थी, जो नोरा नहीं, उसमें हमने एक ही, हमने क्या किया था कि डॉल्स हाउस को हमने थोड़ा सा एडिट किया क्योंकि बहुत बड़ा नाटक था, हमने उसके बहुत इंपॉर्टेंट सीन रखे थे, तो नोरा से जो नोरा की पुरानी फ्रेंड मिलने आती थी और फिर वो नोरा के साथ ही रह जाती थी, उसका किया था। पहले मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बाहर एक स्कर्ट पहनता था, एक स्कर्ट पहनता था और सर पे एक क्लिप लगाता था, बस मैं अंदर और कुछ नहीं, और आवाज हल्का सा बदलता था, थोड़े से जेस्चर बदलता था, लेकिन उतना काफी होता है ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए कि आप कोई और हैं, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जो आए उसकी रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज शेयर करना ना, तो मैं देखता हूँ, अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो मैं जरूर शेयर। अच्छा, और एक और पूछना था कि जनरली मेरे यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि मेरे प्ले छोटे छोटे होते हैं, मैं फुल लेंथ प्ले थोड़ा कम करती हूँ और इसको कम उठाती हूँ, और मुझे होता है वैरायटी चाहिए, लाइफ में भी वैरायटी चाहिए, तो मुझे वहां पर भी नाटक में भी पूरी वैरायटी चाहिए, अलग अलग रोल की। अब वो ये बोलते हैं कि एक नाटक के अंदर आपने छोटा नाटक किया है, जैसे 40 से 50 मिनट का नाटक है, दूसरा नाटक भी 40 से 50 मिनट का, तीसरा भी 40 से 50 मिनट का, तो आप जैसे कैरेक्टर में घुस ही रहे हो, घुसते घुसते घुस रहे हो और खत्म हो रहा है, तो ऐसा मुश्किल हो रहा है कई बार, उन लोगों को ये फेस करना पड़ता है, तो खैर मैं थोड़ी हार्श हो जाती हूँ, तो यू कैन मीन्स उनको ढंग से डायरेक्ट कर पाओगे कि क्या है उसका प्रोसेस। देखिए, कैरेक्टर अगर 5 मिनट के लिए भी प्ले में हो तो उसकी उसका तो पूरा इतिहास होता है, वो इतिहास तो आपको जीना ही पड़ेगा 5 मिनट, यही खासियत है। हो सकता है कि आपका लीड कैरेक्टर ना हो, आपकी एक या दो एंट्री हो, कन्या नाटक में मेरी सिर्फ 3 एंट्री, नाटक में मेन किरदार जो है बाप का है जो अपनी कन्या को दान करता है, और कन्या का है वो पूरे नाटक में, माँ भाई भी जान, मैं सिर्फ 3 बार एंट्री, और तीनों एंट्री में पूरे नाटक में सिर्फ 3 एंट्री है, लेकिन 3 एंट्री पूरे इतिहास, उस कैरेक्टर के पूरे इतिहास को निभाता है। और मुझे मेरी जो एंट्री है वो सिर्फ उस सीन की एंट्री तो नहीं है, मैं तो पूरे इतिहास को लेके वहां घुस सकता हूँ, इससे पहले जो कुछ मेरी जिंदगी में हो चुका है मैं वो पूरी जिंदगी लेके वहां पे घुस सकता हूँ। पहली बार जब मैं कन्या की माँ से मिलने आता हूँ तो मैं अपनी पूरी इतिहास को लेके वहां, और उसकी माँ जब मुझे इंसल्ट या ह्यूमिलेट करती है तो वो इंसल्ट और ह्यूमिलेशन लेके मैं बाहर, मेरी अगली एंट्री है जब मेरी शादी हो, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी पे, और मैं ससुराल आता हूँ पूरे वो पूरे फ्रस्ट्रेशन में, और आके वहां पे पूरा ड्रामा करता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं आई वापस तो मैं मर जाऊंगा, वो ड्रामा भी मेरे जिंदगी के इतिहास का ही हिस्सा है कि मैं मर जाऊंगा अगर नहीं आई, मुझे समझने वाला कोई नहीं। और आखिरी सीन, आखिरी एंट्री है जब मैं एक सक्सेसफुल बंदा हूँ, एक लीडर टाइप का बंदा हूँ, एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ, और मैं वहां पे आता हूँ अपने ससुराल, और ससुराल में ससुर और सबको दिखाता हूँ कि आप लोग कुछ नहीं है, जो हूँ मैं ही हूँ, तो वो भी मेरा इतिहास, मेरे कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेरे अंदर जो अंदर छुपी कॉम्प्लेक्सेस और अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो सबको मैं, मेरे डिफेंसिवनेस है वो सबको मैं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बदलता हूँ और उनको ह्यूमिलेट करता हूँ, कभी अपनी ह्यूमिलिटी से ह्यूमिलेट करता हूँ और कभी जानबूझकर ह्यूमिलेट, तो दोनों तरीके से करता हूँ। तो उस एक सीन के अंदर मुझे अपना नया रूप एस्टैब्लिश करना है कि अब मैं वो पुराना वाला अरुण अठावले नहीं जाऊं, ये देखो मैं नया, एक सीन
एक ही सीन में मुझे अपनी सारी दिखानी है शराब वाली, और उससे पहले वाले सीन में मेरी कमजोरी, एक सीन में पूरी कमजोरी, एक सीन में पूरे प्रशिक्षण और एक सीन में पूरा पाप, तीन ही सीन है और बाकी के करीब 10-12 सीन्स हैं। लेकिन आपको तो पूरी जिंदगी जीनी है ना, तो रोल 5 मिनट का हो या रोल 2 घंटे का, जिंदगी तो आपको भी जीनी उतनी जीनी है। हाँ अच्छा, एक हमारे यहाँ का है सवाल है उसका, व्हाई हॉलीवुड एक्टर्स गेट इनटू द कैरेक्टर सो वेल लाइक टॉम हैंक्स एंड अल पैसिनो एंड केयर व्हेन कंपेयर्ड टू बॉलीवुड एक्टर्स। मेरे पसंदीदा एक्टर्स, क्या मेरे पसंदीदा एक्टर्स के बारे में पूछ ये अपने पसंदीदा एक्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि मतलब वो लोग बॉलीवुड एक्टर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से कैरेक्टर में क्यों घुस जाते हैं, उनको ऐसा लगता। एक्चुअली वो सिनेमा का फर्क है। आपका जो ट्रेडिशन रहा है सिनेमा का उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडियन सिनेमा का ट्रेडिशन जो है वो माइथोलॉजी से निकला हुआ था। इंडियन सिनेमा में हमेशा हम कैरेक्टर्स को बहुत ही माइथोलॉजिकल टाइप्स में ढालते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हीरो होता था एक तरह से, हमारे हीरोज जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते थे। विलन्स जो है वो रावण की तरह दिखाए जाते थे जिनका वध करना है। हीरोइन जो है वो बिचारी होती थी जिसको आपको रेस्क्यू करना है, फला टीम का। तो माइथोलॉजी से हमारी सिनेमाजी वो ट्रेडिशन बहुत दिनों तक चलता रहा। हीरो ऑल गुड, विलेन ऑल बैड, जिंदगी में शेड्स सारे शेड्स के लोग होते हैं, लेकिन हमारे फिल्मों में ऐसे टाइप्स। एक और बड़ा ट्रेडिशन हमारे सिनेमा का था, एटलीस्ट हिंदी सिनेमा का था, पारसी थिएटर। पारसी थिएटर के डायरेक्टर्स फिल्म डायरेक्टर्स बने थे। पारसी थिएटर जो होता था वो मेलो ड्रामेटिक होता क्योंकि शेक्सपियर नाटक और मिथोलॉजिकल नाटकों से लिया गया, बहुत मेलो ड्रामेटिक होता था। वहां पे बोलने का स्टाइल, करने का स्टाइल बड़ा लार्जर देन लाइफ होता, तो उसी को फिर हमारे सिनेमा में अपनाया गया। लेकिन हमारे सिनेमा में बाद 3 एक्टर्स आए 1940-50 दशक में, जिन्होंने सिनेमा में इस तरह की रियलिज्म लेके आए अभिनय की, जो वर्ल्ड सिनेमा में भी बहुत कम पाया जाएगा। एक एक्टर का नाम था मोतीलाल, अगर आप देखना चाहे तो पुराने फिल्म देखिए, मोतीलाल का काम देखिएगा। दूसरे एक्टर का नाम था दिलीप कुमार, यूसुफ खान। दिलीप कुमार का काम आप देखिएगा, उस तरह का रियलिज्म, उस तरह की बारीकी आपको वर्ल्ड सिनेमा में भी कम मिलेगा। और तीसरे एक्टर का नाम था बलराज साहनी, जो कि मेरे आइडल। बलराज साहनी अभिनय में नेचुरलिज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं मानता हूँ, मेरे लिए एक ही कंडीशन रहता है किसी भी अच्छे अभिनय का, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अगर है तो सब कुछ है। ऑनेस्टी कॉमेडी में भी हो सकता है, ऑनेस्टी सीरियस एक्टिंग में भी हो सकता है, ऑनेस्टी ड्रामा में भी हो सकता है, ऑनेस्टी मेलोड्रामा में भी हो सकता है, ऑनेस्टी आपके माइथोलॉजी में भी हो सकता है, ऑनेस्टी आपकी हिस्टोरिकल में भी हो सकता है, ऑनेस्टी आपके कंटेंट। बलराज साहनी मेरे जिंदगी के देखने सबसे ऑनेस्ट एक्टर्स में से एक है, जो अपनी जिंदगी, अपने की ऑनेस्टी और अभिनय की ऑनेस्टी में कोई फर्क नहीं करता, दोनों बहुत ऑनेस्ट। और वो पूरी जो है अपनी ऑनेस्टी इस तरह से फिल्मों में डालते थे, चाहे वो 2 बीघा जमीन हो, चाहे वो काबुलीवाला हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे गरम कोट हो, या चाहे वो गरम हुआ, तो वो उस तरह से लिखे। और उसके बाद 1940 में भी अशोक कुमार उन एक्टर में से थे जो बहुत पहले एक तरह से एक नेचुरल थिंग लेके आए थे अभिनय करने के स्टाइल में, या तो उसमें अभिनय का कोई क्राफ्ट नहीं दिखता था, वो बड़े आराम से करके चलते, ठीक है। उसके बाद 1960 के दशक खत्म होते होते हमारे सिनेमा में कमाल के एक्टर्स हिंदी फिल्मों में आना शुरू हो गए थे। कैरेक्टर एक्टर्स जो थे वो कमाल के एक्टर्स, प्राण साहब जो थे वो कमाल के कैरेक्टर। तो हमारे कैरेक्टर एक्टर्स बड़े मतलब वो उनके अंदर ग्रेविटी भी थी, पावर भी था, कम्युनिकेशन भी था और रियलिज्म भी था। प्राण अलग अलग तरह के किरदार करते थे, उसको बखूबी निभाते थे, लेकिन वो जो भी करेंगे वो के बाहर आके नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिए। उस फिल्म के फॉर्म के बाहर आके नहीं कर सकते। अगर वो कश्मीर की गली कर रहे हैं तो कश्मीर की गली के कॉन्टेंट और फॉर्म में उनको ढालना पड़ेगा अपने अपने एक्टिंग स्टाइल, उसके बाहर आके नहीं कर सकते। उसके बाद 70 के दशक में पैरेलल सिनेमा मूवमेंट जब हिंदी फिल्मों में आया, तो एक साथ हमारे सामने नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी,
पंकज कपूर, अनु कपूर, के रायना, एनके रायना, ये सब उम्र क्या है। उसकी अगली जेनरेशन जो आई वो इरफान, जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उनके जरिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जरिए आया। उसके अगले जनरेशन में राजकुमार राव आए हैं, क्या रहे। तो ये ट्रेडिशन रियलिज्म का हमारे देश में भी काफी है, लेकिन कोई भी एक्टर कंटेंट और फॉर्म के बाहर आके अभिनय नहीं कर सकता। आपको जिस तरह का काम मिलेगा आपको उसी के अंदर रह गया होगा, बात तो यार। अच्छा, अभी हमारे यहाँ रोहित ने पूछा है, प्लीज एलैबोरेट ऑन यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव फिजिकल मूवमेंट्स एंड कैरेक्टराइजेशन। और एक ने भी साथ में ही पूछा है जो कि मैं जोर देना चाहूंगी, प्लीज एलैबोरेट, एक मिनट, सारे बालकों ने ना बहुत कुछ लिखा है, जस्ट होल्ड द लाइन, एक मिनट, चला गया क्वेश्चन। अरे एक ने तो पूछा है, मैं बताती हूँ, एक जो है तब तक आप उस पर बताइए, नवरस प्रैक्टिसिंग के ऊपर पूछा है उसने, कि नवरसा जो है अपना उसके प्रैक्टिसिंग के बारे में पूछा है। और दूसरा मैं एक मिनट, इसका पूछा हुआ है ना, बहुत ऊपर चला गया यार क्वेश्चन, रोहित का कुछ कह रही थी आप। हाँ, एक मिनट, नहीं बोलते, बॉलीवुड एक्ट्रेस आ गया रोहित, प्लीज एलैबोरेट ऑन यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिजिकल मूवमेंट एंड कैरेक्टराइजेशन। मेरे हिसाब से उसके लिए के ऊपर जो कुछ है उसके साथ फिजिकल मूवमेंट और अपनी कैरेक्टराइजेशन उसको लेकर आई थिंक ही वांट्स टू नो। नवरस के बारे में आपको बता दूं, नवरस जो है, और एक ने और पूछा है जो आगे है वो नवरस के बारे में है, कि उसका किस तरीके से प्रैक्टिसिंग हो जिस जो कि इजी हो जाए आपका कैरेक्टराइजेशन के लिए। तो ये मेन कैरेक्टराइजेशन से जुड़े थे, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा क्लब कर दिया। एक तो था एलैबोरेट ऑन यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल मूवमेंट्स एंड कैरेक्टराइजेशन। नवरस जुड़ा हुआ इमोशन के साथ, इमोटिव एक्टिंग जो होता है, एक्टिंग कई तरह की होती है, फिजिकल एक्टिंग भी होती है जिसमें थर्ड थिएटर सीट प्लेस में आपकी फिजिकल एक्टिंग होती है, उसमें नवरस का उस तरह से प्रैक्टिस नहीं होता है। नवरस पूरी तरह से इमोशन से जुड़ा, आपकी इमोटिव एक्टिंग से, और ये रसा का मतलब ही है, रसबोध का मतलब ही है इमोशन। नवरस का निर्माण हुआ था क्योंकि हमारे ऋषि मुनि चाहते थे कि इंसान जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखे। इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए पहले इमोशंस को समझना पड़ता है, इमोशंस को भाव, इमोशंस के भाव को समझना पड़ता है। आप इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो इमोशन को समझेंगे तो आप उसको कंट्रोल करेंगे। तो नवरस का प्रैक्टिस मतलब इमोशन को एक्सप्रेस करना, आप नवरस को एक्सप्रेस करेंगे, अलग अलग रस बोध को एक्सप्रेस करेंगे, अपने अंदर टटोलेंगे, अपने चारों ओर देखेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे। नवरस सिचुएशन में भी एक्सप्रेस हो सकता है, नवरस आपके अंदर के डर से भी एक्सप्रेस हो सकता है, नवरस आपके अंदर की खुशी से एक्सप्रेस हो सकता है, नवरस आपके अंदर के डिजायर से एक्सप्रेस हो सकता है। आप ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं और आपके अंदर एक रसबोध होता है, आप एक थाली में खाने को देखते हैं और आपके अंदर एक रसबोध होता है। दो तरह के रसबोध होते हैं, एक देख के आहा बोध भी होता है और एक अरे चीची बोध भी होता है। ये सारे बोध आपके रस रस को आप जितना भोगेंगे, जितना एक्सप्रेस करेंगे, उतनी आप प्रैक्टिस। पहली तो ये फिजिकल एक्टिंग जो है, फिजिकल एक्टिंग और कैरेक्टराइजेशन, देखिए ये सारी चीजें जो है ये आर्टिफिशियल बॉर्डर्स, आप इन बॉर्डर्स को मत मानिए। आपके अंदर और आपके बाहर दोनों का जुड़ाव, दोनों में आप फर्क मत। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपने कैरेक्टर को बाहर से टटोलता हूं, कहता है मैं अपने अंदर से टटोलता हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही तरह से। आप जब सबसे पहले कैरेक्टर तो आपके स्क्रिप्ट में आता, जब आप स्क्रिप्ट उठाते हैं और आप पढ़ते हैं तो आपके आंखों के सामने एक इमेज आता है, कैरेक्टर आता है ना। अभी भी आप पढ़ेंगे, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी सड़क से जा रहा था, उसके पैर खींच खींच के चल रहे थे, ऐसे मानो जोड़ों में दर्द था, उसके बाल बड़े कम थे, बार बार अपने सर पे हाथ फेरता, आपके आपके सामने तुरंत इमेज आ गया ना, ये क्या है, ये फिजिकल इमेज आया। लेकिन इसके अंदर भी आपको इंटरनल इमेज आएगा, उस आदमी के जोड़ों के दर्द से अंदर क्या अनुभव हो रहा हो,
उस आदमी के बाल कम होने से क्या कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, उस आदमी के धीरे चलने में क्या कोई सोच है कि वो कुछ सोच रहा है किसी चीज में डूबा हुआ, इतने धीरे चल कि सारी इंटरनल आपकी भी आ दे। तो फिजिकल और इंटरनल ये दोनों पक्ष जो है बहुत सेपरेट नहीं है, ये मेरे लिए कम से कम एक ही पक्ष। मैं इसको कहता हूँ रिदम ऑफ ए कैरेक्टर। मैं अंदर जो रिदम महसूस करता हूँ वो रिदम बाहर आ जाता है, मैं बाहर जो रिदम महसूस करता हूँ अंदर आ जाता है, तो इसको मैं रिदम कहता हूँ। मैं कैरेक्टराइजेशन रिदम से ही करता हूँ, हर कैरेक्टर का मैं रिदम ढूंढता हूँ, उस रिदम को पकड़ पाता हूँ तो मैं कैरेक्टर को पकड़ पाता हूँ, और वो रिदम बेसिकली इंटरनल रिदम है, वो इंटरनल से वो बाहर आ जाता है। बात आती है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया था, क्या था वो सवाल, सबसे पहला सवाल था, बहुत बढ़िया। हाँ, यूनिट्स एंड ऑब्जेक्ट, यूनिट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यस, साइंटिफिक प्रोसेस है यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हर नाटक हर फिल्म का एक सुपर ऑब्जेक्टिव है, जिसको मतलब पूरे फिल्म का पूरे नाटक का ऑब्जेक्टिव क्या है, औरतों की दर्द को दिखाना, ये समझ लो ऑब्जेक्टिव। मैरिज स्टोरी फिल्म है वो, उसका सुपर ऑब्जेक्टिव है मैन वुमन रिलेशनशिप में दरारें क्यों पड़ती हैं, क्या उन दरारों को कभी ठीक किया जा सकता है या वो दरारें हमेशा की तरह रहती हैं, ये इसका सुपर ऑब्जेक्टिव है एग्जामिन कर, ये इसको एग्जामिन करना उस फिल्म का सुपर ऑब्जेक्टिव। अब उस फिल्म, एक फिल्म को बनाने के लिए अलग अलग सीन्स चाहिए होते हैं, नाटक को बनाने के अलग अलग सीन्स चाहिए होते हैं, तो हर एक सीन का एक ऑब्जेक्टिव हो। इस सीन का ऑब्जेक्टिव है कि ये पति अपनी बीवी से किस तरह से लड़ता है, इस सीन का ऑब्जेक्टिव है वो पति कितना अच्छा बाप है, वो अपने बच्चे के साथ कितने खूबसूरत तरीके से पेश आता है, इस सीन का ऑब्जेक्टिव है वो अपने सास के साथ कितने बढ़िया तरीके से रिश्ता निभाता है, हर एक सीन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव, ऊपर ऑब्जेक्टिव पूरे नाटक या फिल्म का है, सीन का हर एक सीन का अपना इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव, सीन के अंदर फिर आप यूनिट बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव शिफ्ट होते रहते हैं। पति अंदर आता है, बीबी को देख के बोलते हैं बड़ी खूबसूरत लग रही हो, लगता है बाल हेयर कट किया है, ये मैं मैरिज स्टोरी से बता, वो पत्नी जो है वो थोड़ी, पत्नी मतलब डिवोर्स होने वाला है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसको लगता है क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, फिर एक पॉज के बाद वो कहता है वैसे पहले का बाल मुझे बेहतर लगता जब लंबे, तो वो कहते मतलब ये अच्छा नहीं लगा, नहीं मैंने ऐसे कब कहा कि अच्छा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, क्या चाहिए बोलो, यूनिट्स आपके तक 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 चेंज हो, आपका पहला यूनिट था जब अंदर आते पहली बार देखता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, वो पहला यूनिट। लड़की का ऑब्जेक्टिव है, लड़की डिफेंसिव हो जाती है ये सुन के क्योंकि पति ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता नहीं है, क्यों वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, वो उसके अंदर सबटेक्स्ट ढूंढती कि कहीं बुरा तो नहीं कह रहा है, और वो कहती है, ये सुनकर पति डिफेंसिव हो जाता है कि कहीं उसने मेरी बात को पकड़ तो नहीं लिया, फिर कहता है अच्छा पकड़ लिया तो ऑनेस्ट बात कर, तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज, पहली बात चेंज, पहला ऑब्जेक्टिव मैं कोई अच्छी बात कहूं ताकि अच्छे मूड में, फिर आया कि चलो ये पूछ ही रही है तो मैं ऑनेस्ट हूं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है मामला बिगड़ चुका है अब इसको कैसे सुधारा जाए। ये तीन छोटे छोटे यूनिट, पहला यूनिट है मुझे अच्छा बर्ताव करना है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, मुझे बच्चे, मुझे ये बच्चा चाहिए, दूसरा यूनिट है मुझे ऑनेस्टली बता देना चाहिए मेरी पसंद नापसंद भाड़ में गया ये क्या सोचती है, और तीसरा यूनिट है हाँ चीजें बिगड़ गई हैं अब मैं इसको कैसे सुन। अब ये तीनों यूनिट को लेके एक पूरा सीन है, और सीन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि पति पत्नी के रिश्तों में क्या प्रॉब्लम है जो हर रिश्ते में है, रिश्ते में भी है, और इसको आप सुधारे भी तो कैसे सुधारे क्योंकि आप दो अलग अलग किस्म के हैं, हर एक यूनिट उनको बनाता है, यानी हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव जाके पूरे सीन का ऑब्जेक्टिव तैयार करता है, हर एक सीन का ऑब्जेक्टिव जाके सुपर ऑब्जेक्टिव तैयार करता है जो पूरे फिल्म या नाटक का ऑब्जेक्टिव। तो आप माइक्रो ऑब्जेक्टिव से धीरे 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 मैक्रो ऑब्जेक्टिव यानी कि सुपर ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, ऐसे आप यूनिट सीन्स और पूरे फिल्म को समझते हैं। तो बेटर है कि मैक्रो से शुरू करें, पूरे फिल्म को समझे, पूरे नाटक फिर आप सीन में आए, फिर आप सीन के यूनिट्स। अच्छा, अब जो है मैं चाहूंगी कि आप ये बताओ इन लोगों को कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो इसमें अपना प्रोफेशन के तौर पे इसको अपनाना चाहते हैं, उनका वो कितना सिक्योर्ड है, और उसके साथ उनको जैसे अब अगर एक्टिंग का मतलब इनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो फिल्म ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तो उनके लिए एफटीआई और ये सब कुछ जो कुछ है कहाँ तक क्या क्या चीजें हेल्पफुल हो सकती हैं, और फिर उसके बाद और भी इन लोगों ने पूछा है कि हम लोग ये ऑडिशन वगैरह के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं चाहूंगी कि
आप इनको एक वास्तविक पिक्चर दो, बिकॉज यू हैव बीन इन ऑल द फॉर्म्स, थिएटर में भी रहे, वॉइस ओवर में भी रहे, सब कुछ में रहे हो, तो यू नो द बेस्ट. तो इन लोगों को गाइडेंस किस तरीके से हो सकती है कि वेदर दे शुड ऑप्ट इट एज अ प्रोफेशन, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है, क्या क्या चीजें हो सकती है, प्लस माइनस सब कुछ. किसी भी आर्ट में, चाहे वो राइटिंग की आर्ट हो, पेंटिंग की आर्ट हो, फोटोग्राफी की आर्ट हो, सिनेमा आर्ट हो, थिएटर आर्ट हो, किसी भी आर्ट में कभी भी कोई आर्ट सिक्योर्ड नहीं होता है. इसलिए सिक्योर्ड नहीं होता है क्योंकि आपका अपना अगला काम, अगला अपॉर्चुनिटी, अगला इंस्पिरेशन सिक्योर्ड नहीं. आपको खुद नहीं मालूम अगला नॉवेल आप क्या लिखने वाला, आपको क्या प्रेरित करने वाला है, क्या असर करने वाला है कि आप अगले अगली पेंटिंग बनाए. जब आपको ही नहीं मालूम दुनिया को कैसे मालूम होगा. अब जब दुनिया को नहीं मालूम तो आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि अपना अगला काम नहीं कर सकते. आपको फोकस करना है आज अभी इस वक्त इस काम. आपके पास एक ही गारंटी मिलती है कि आप अभी जो कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं. अगर आप बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अगला काम वैसे भी सिक्योर. अगर आप बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है कि वो काम को देख कर कहीं ना कहीं आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाए. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पहुंचो. तो इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप अपने काम को अच्छे से निभा पाए. आप अपने काम को अच्छे से निभा पाए ये आपको अपनी शख्सियत को तैयार करना. आपको सबसे पहले ये समझना होगा, जानना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है किसी चीज. एज एन एक्टर, एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एज ए लाइट पर्सन, एज ए कैमरामैन, जो भी आप करना चाहें, आपके अंदर कितना टैलेंट, ये जानना बहुत जरूरी. अगर आपके अंदर टैलेंट रत्ती भर नहीं है लेकिन आप स्क्रीन में किसी को देखकर प्रभावित हो गए हैं तो ये मान लीजिए, जान लीजिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो एक एक्सीडेंट ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो टैलेंटलेस अटेम्प्ट. दूसरी बात, टैलेंट के साथ जैसे मैंने कहा कि क्राफ्ट डेवलप करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. एक तो यह है कि आप करते करते क्राफ्ट सीखिए, तो आपके ऊपर है, आपके पास कितना वक्त है, कितना पेशेंस है, तो आपके. अगर आप क्राफ्ट सीख के अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं वो भी आपके पास मौका है. आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, नाटक कीजिए, एक्चुअल काम कीजिए, असिस्ट कीजिए, किताबें पढ़िए, जो भी कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए. क्राफ्ट डेवलप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इसी चीज को क्राफ्ट कैसे अपने टैलेंट को क्राफ्ट के जरिए ढाल सकते. तीसरी बात आ गई टेक्निक की. जैसे मैंने कहा अलग अलग फॉर्म, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग टेक्निक, उसकी समझ बनना बहुत जरूरी. अब ये सारी चीजें समझ आ जाए तो भी एक चीज की कमी रह जाती है, वह है अनुभव, एक्सपीरियंस. बिना एक्सपीरियंस के, जिंदगी के एक्सपीरियंस के आप कभी भी जिंदगी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. अभिनय है जिंदगी को एक्सप्रेस कर, आयना दिखाना. अभिनय के जरिए आप लोगों को आयना दिखा, आयना आप कैसे दिखाएंगे जब आपको खुद ही अनुभव नहीं होगा. अनुभव डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट अनुभव, ऐसा नहीं कि आप उन सभी चीजों को जी रहे हैं इसलिए आप वो कर पा रहे हैं. नहीं, वो चीजें जो जी जा चुकी हैं पहले उसको भी अनुभव करना जरूरी. आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए, जो आपके इर्द गिर्द जिंदगी जी जा रही है उसको ऑब्जर्व करना जरूरी, उससे लेना जरूरी है, ठीक है ना. आज आपको एक किरदार मिलता है जो कि 15वीं शताब्दी का किरदार है, आपने वो जिंदगी नहीं जी है उसमें, लेकिन इतिहास आपको बताएगा कि वो क्या था. और आप अपने एक्सपीरियंस से उसके बीच में एक सूत्र बांधते हैं, तो अनुभव. अब इन सारी चीजों के साथ जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी, तो आप अपना बेस्ट उसमें ढाल सकते. ये एंड मुमकिन है कि बेस्ट भी कम हो जाए जो उनको चाहिए, क्योंकि उनको जो चाहिए वो आप नहीं जानते, ये आप तय नहीं कर सकते. किसी डायरेक्टर को क्या चाहिए आप कभी तय नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना बेहतर चीज दे सकते. अगर आपकी बेहतर चीज उनको बेहतर लगे तो वो आपको मौका देंगे, अगर आपकी बेहतर चीज से बेहतर उनको कुछ कहीं और मिले तो श्योर. ये आपकी विफलता नहीं है, ये विफलता नहीं है, ये हमारे फील्ड या हमारे काम का एक कैरेक्टरिस्टिक है. एक फिल्म डायरेक्टर जब फिल्मों में किसी को लेता है तो तीन चीज रखता है शर्त. एक, कैमरे में वो पर्सन कैसा दिखता है, क्या मैं उस आदमी को इस चरित्र के रूप में देख पा रहा हूं कैमरे में. आप बहुत सुंदर नौजवान लेकिन कैमरे में सामने आ गए तो आप आम दिखते, आप बहुत आम इंसान है लेकिन आप कैमरे के सामने आ गए, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी है तो बड़े इंटरेस्टिंग दिखते. ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पर. तो वो डायरेक्टर पहचानता है कि
इसको मैं इस चरित्र के रूप में देख पाऊंगा या नहीं, वो आप नहीं तय कर रहे, आप पूछते हैं कि मैं चरित्र हूं नहीं। तीसरी बात, आपने बहुत अभिनय किया एक चरित्र डायरेक्टर को करके दिखाया, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर उतने अभिनय से प्रभावित हो जाए। एक आदमी आता है और वो कुछ नहीं करता है, बहुत कम कुछ करता है, लेकिन डायरेक्टर को उस कम में एक स्पार्क दिखता है, अपने जो किरदार उन्होंने जैसे इमेजिन किया है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखता है उस कम, तो हो सकता है कि उस कम को से। ये आपके कंट्रोल में नहीं, आप सिर्फ अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना बेस्ट काम दिखा जो आपकी सोच से। अब तीसरी बात आती है ऑडिशन। हमारे इंडिया में ऑडिशन का प्रोसेस दो तरह से होता है, अभी थोड़ा साइंटिफिक हो गया है कि आपको कभी कभी बॉम्बे में पहले सीन भेज दिया जाता है, कभी कभी कैरेक्टर समझाया भी दिया जाता है, तो जब आप जाते हैं तो आप एक तैयारी कर, लेकिन तैयारी करने के बाद भी आपको ये पूछना जरूरी होगा कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट। हमेशा जब भी आप करें तो आप एक ऑप्शन लेके ना जाए, आप हमेशा दो तीन ऑप्शन रखें, एक कैरेक्टर या एक एटीट्यूड या एक इमोशन के ऑप्शन जरूर रखें, क्योंकि आप जितने ऑप्शन देंगे उतने ऑप्शन वो चुन पाए, ठीक है, फिर वो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि मैं ऐसे करके आप करता हूं, कहते हैं कीजिए आप करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता तो आप दूसरा ऑप्शन, उन्हें पसंद नहीं आता तीसरा ऑप्शन, तो ऑप्शंस आप बनाते हो। ऑप्शंस बनाना ही एक्टर का सबसे महत्वपूर्ण काम है, हमेशा तय करना कि मैं इस कैरेक्टर को इस रास्ते ले जाऊंगा, फिर इस रास्ते ले जाऊंगा, फिर इस रास्ते, कौन सा रास्ता सही है वो डायरेक्टर आप तय नहीं करते, समझे। आपको मतलब अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ थाली परोसनी है, व्हिचएवर आइटम ही लाइक्स ही विल पिक इट अप। एब्सोल्युटली, अब उन्हें नमक ज्यादा चाहिए, नमक कम चाहिए, नमक बिल्कुल नहीं चाहिए, वो आप तय नहीं कर सकते। आप थाली में साइड में रख दीजिए, बिना नमक का परोसिए वो डाल लेगा। सो अभी आप हमारे और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे फाइनल? अब मैं बहुत टाइम ले लिया जाए आई, नहीं नहीं फाइनल तो क्या कहूं, मैं तो इतना ही कहूंगा क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, आर्टिस्ट मेरे हिसाब से पैदाइशी होता है, वो जहन पैदाइशी होता है। जब आप एक किताब पढ़ते हैं आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो पैदाइशी है, जब आप एक बच्ची को सड़क पे देखते हैं धूल मट्टी में खेलते हुए आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो जहन, वो संजीदगी आपकी पैदाइशी है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। अरे इस बच्चे के लिए आपको महसूस करना है, महसूस करना है, ऐसे कह के आप महसूस नहीं कर सकते, वो या तो आप महसूस करेंगे या आप नहीं करेंगे, ये सेंसिबिलिटी, ये सेंसिटिविटी, ये थ्री एसेस जो है, सेंस सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी आपके अंदर रहती है, आप उनपे काम कर सकते हैं कि मैं आप महसूस कैसे करना वो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कुछ महसूस कर रहे हैं उस महसूस को कैसे आप एक्शन में बदलें इस पे आप काम कर सकते, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए इस पे आप काम कर सकते। तो आर्ट का स्रोत जो है वो जिंदगी से निकलता है, इस बात को याद रखिए, अगर आप जिंदगी के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट के स्टूडेंट बनेंगे, अगर आप जिंदगी के स्टूडेंट नहीं है तो आप आर्ट के स्टूडेंट नहीं बनेंगे, आप चालाकी से स्टडी। 15 seconds left. Thank you so sweet of you. आगे भी बात करना चाहूंगी मैं आपसे।